लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शहर को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। तुझे बहुत जल्दी शहर छोड़ना पड़ेगा। क्या करने का सोचा है? क्या खाली फोकट देवा 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 करके चिल्ला रहा है? देख नहीं रहा मैं बच्चे की पोटी साफ कर रहा हूँ? हाँ बोल, क्या है? इसका नाम गोविंद स्वामी है, रामी रेड्डी ने डील के लिए दिया है। अरे वो राम गोविंद स्वामी, उससे टक्कर लेना बहुत मुश्किल है। अगर हम उससे भिड़े ना तो वो लॉरी भर के गुंडे भेजेगा और हम लोग की बैंड बजा देगा। मेरी बात मानो तो उससे भिड़ने का इरादा छोड़ दो। देवा ये डील कैंसिल करना ही बेहतर रहेगा। नंदी को भेज कर फील्डिंग करने के लिए। हेलो, हम भी वहीं पर आ रहे हैं। कहाँ पर तुम हो? वो सुबह सुबह घर छोड़ देता है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। क्यों? उसके साथ बहुत गुंडे रहते हैं। पैसा देगा तो ठीक है, नहीं तो मालूम है ना कि क्या करेंगे। उसे मारने का एक ही तरीका है भाई। पैसा से इम्पोर्टेंट आदमी की लाइफ होती है। देख मैं कैसे बचा के चल रहा हूँ। इस उम्र में तू मेरे को जमीन खरीदने को बोलता है? गोविंद स्वामी फुलटुल होकर रास्ते में कहीं भी गिर जाता है और उसके आदमी उसको उठाकर उसके घर तक पहुंचाते हैं। ए गंदे हमरा। ए चुप। उसके पास लाइसेंस वाला एक गन भी है और उसे मारना बहुत मुश्किल है। पेपर। सुबह 5:30 बजे से लेकर 5:50 तक वो पेपर लेने के लिए अकेले बाहर आता है। पेपर। ये पेपर डालने वाले लड़के लोग भी ठीक ढंग से पेपर नहीं डालते। विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरे भाई चाय कॉफी तो आ गई लेकिन वो पार्टी अभी तक नहीं आई। ए यहाँ आहिस्ता बोलो भाई। ए कह रहे कब से तू मुझे डराते ही जा रहा है। तुम कोई राजा का पोता हो या फिर कोई करोड़पति, जब रामी रेड्डी का नाम आता है तो डरना पड़ता है। लेकिन हमारा काम करके देगा ना वो? जरूर जरूर, मंडी रेड्डी ने बोला तो हो गया। पर कौन है वो? वो रामी रेड्डी का भाई है और दोनों मिलकर ही धंधा करते हैं। इन दोनों भाइयों में से एक चोर है। नागी रेड्डी के भाई को तू नहीं जानता? वो कौन है? वो लास्ट वाला है, इसलिए उसको चर्बी ज्यादा है, थोड़ा दिमाग का भी सनकी है। अरे ये क्या, घर के बाहर इतने सारे लोग खड़े हैं।
डॉक्टर। नमस्कार भैया, कैसे हो? रास्ते में क्या बनाया है? और भैया कहाँ पर है? ऊपर पूजा पाठ कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ। नागी रेड्डी, नागी रेड्डी, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतनी मेहनत करके क्या मिलने वाला है? अरे अच्छी पिक्चर लगा यार, मस्त पिक्चर लगी है। एक्सरसाइज करते समय कोई ऐसी फिल्म देखता है क्या? अच्छी तो फिर क्या करेगा भाई? बॉडी शॉडी बनाने के साथ साथ ये नाड़ा खोलने वाला सीन भी देख रहे हो तुम? है तुम लोग ऐसे ही बॉडी बनाते हो? मैं ऐसे ही फिल्म में देख के बॉडी बनाता हूँ। हाँ हाँ मालूम है, बहुत डिफरेंट बॉडी बिल्डर हो। ओहो, सुबह सुबह ये क्या लगा के रखा है? मुझसे तो देखा नहीं जा रहा है, बदल यार। आज सुबह सुबह किसी अजनबी ने प्रख्यात उद्योगपति गोविंद स्वामी जी के घर के बाहर बड़ी बहरहमी से उनकी हत्या कर दी और कत्ल करके फरार हो चुके हैं। पुलिस डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में लग गई है। हे भगवान, कितना सीधा साधा आदमी था, बेचारा बहुत जल्दी ही मर गया। हे भगवान। नमस्कार भाई, आपको न्यूज मिली क्या? न्यूज मिलने की क्या जरूरत है? जिस दिन मैंने तुम्हें फोटो दिया था उस फोटो पर हाल चढ़ना गारंटी थी, उसी दिन मैंने सोच लिया था। देख मंडी रेड्डी, मैटर इज क्लोज। तू बोल रहा था कि उसको मारना बहुत ही डिफिकल्ट है, पर इस लड़के ने उसका सिर अलग कर दिया। अपना दिमाग लगा के कहाँ है, चल निकाल निकाल निकाल। भाई मैं आपके घर का नमक खाकर पला पड़ा हूँ, आप जब भी आवाज दोगे मैं आ जाऊंगा। अच्छा चलता हूँ। अच्छी बात है, ठीक है भाई चलता हूँ। भैया ये आप ठीक नहीं कर रहे। क्यों? आप इन फटीचरों को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? हाँ वो चिल्लर रहेगा, पर हमारा काम नोट के बराबर करेगा, माहिर आदमी है वो। क्योंकि वो आपको भाई भाई बोलता है इसलिए आप उसके कंधे पे हाथ रख रहे हैं? मंडी, उसने मुझको भैया कहा पर मैंने उसे भाई नहीं कहा। कब से तुझे जगा रही हूँ, खुद को महारानी समझती है क्या तू? ये क्या है? ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए इंटरव्यू लेटर। बस इसी बात की कमी थी, डिग्री तक तुझे पढ़ाया और पढ़ाकर अपना सर फोड़ रहे हैं। अरे बेचारी को क्यों परेशान कर रही हो, सोने दो ना। सुनिए, जब आपको कुछ पता नहीं तो आप चुप ही रहिए। तू क्या मिस इंडिया बनके सबके सामने फिगर दिखाती फिरेगी? अगर तुझे इसी तरह छोड़ दिया तो आज नहीं तो कल अपनी इज्जत गवाकर इसी चौखट पर आके खड़ी हो जाएगी। अगले शुक्रवार को मेरे भाई के साथ तेरी शादी है, समझ गई? सुनो मेरी बात तो सुनो, फैसला करने से पहले जरा सोचो। तुम्हारा भाई शराबी है। तो तुम्हारी बहन कौन सी सुंदर है जो मेरे भाई को नहीं दोगे? अरे अभी वो छोटी बच्ची है, जरा बात को समझो, अभी वो छोटी है। देखो जी, आप इसमें ज्यादा कुछ मत बोलो, इसकी शादी अगर होगी तो सिर्फ मेरे भाई के साथ होगी, समझ गए? कह देती हूँ। हाँ बेटा उठ जा, उठ जा प्यारे बेटे, पूजा पाठ किए हुए बहुत दिन हो गए, उठ जा मेरे लाल। सपना देखा? सपने में पप्पी ली? सपनों की रानी कटरीना है ना? दादा आखिर में आपको पता चल ही गया ना? आज से 30 साल पहले मैं भी तेरे जैसा मधुबाला को याद कर करके सपने में पहाड़ी से नीचे गिर जाया करता था, लेकिन सपने में कुछ नहीं मिला तो तुझे वो कटरीना कैसे मिलेगी? दादा दादा तुम दरिंदों की तरह इधर उधर भटकते रहते थे, मैं ढक जैसी अपनी इस पर्सनैलिटी को लेकर, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, सिटी में घूमता हूँ और मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग की तरह अपने बेल्ट बनाता हूँ और पिक्चर लाइन में एक ऐसा मुकाम पाऊंगा मैं कि कैटरीना खुद मेरे पीछे आकर मुझसे शादी कर लो करके गिड़गिड़ाएगी और मैं उससे शादी कर लूंगा और तुम देखते रह जाओगे। बेटा सपने में सब कुछ आसानी से हो जाता है लेकिन हकीकत में नहीं। एक घर के पालतू कुत्ते को खाना खिलाना आसान है पर वो दूसरे के घर का खाना खाना चाहेगा तो मुश्किल है, समझ गया क्या? ए मुंह बंद करके मेरे बाल काट। ए मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, मेरे घर में भी एक कुत्ता है, उसको बोलो। कुत्ता? कोई भी काम करने निकलता हूँ तो काली बिल्ली की तरह आके बीच में रास्ता काट देता है। कल मैं सुपर क्रेजी पावर रंबल रियल स्टार बन जाऊंगा ना, तब भी तुम दुनिया के बाल काटते रहोगे। ए क्या देख रहा है तू? चल चल निकल जा, चल। इस गांव में रहने वाले किसी भी लोगों को कुछ काम नहीं है और उस बूढ़े को भी। ए हाँ? तू किसको बोला रे? क्या हर वक्त अपनी राम कथा सुनाते रहते हो? तू मुंबई जाने का प्रोग्राम तो बना चुका है। वो तो है और मैं तुझे बना नहीं कर सकता, पर जाते समय ये पेटी लेकर जा।
ये ले पकड़। अब ये क्या है, इसके अंदर सोने का बिस्किट रखा है क्या, पुराना डिब्बा। उससे भी बढ़ के कीमत नहीं लगा सकता तू, ये हमारी खानदानी पेटी है। तू मुंबई तो जा रहा है लेकिन वहाँ की जब सारी पब्लिक एक साथ तुझे मिलके पीटेगी और वो दिन आना ही आना क्या? है, तब तुम इस पेटी को ढाल की तरह इस्तेमाल कर लेना, ये तुम्हें बचा लेगी। सेंटिमेंटल, हमेशा मेरे गिरने की बात करता है। सेंटिमेंटल सेंटिमेंटल, सुपरस्टार बनूंगा ना तो पिक्चर देखने आ जाना। चीटिंग मत कर, चुपचाप खेल। तू चीटिंग करता है। ए मुन्नी तू जल्दी जा यहाँ से। ए ये बैग पकड़, उसको दे दे। ए तू उठ वहाँ से। ए क्या क्या काम कर सकता है रे तू? कुछ भी कर सकता हूँ भाई, आप बोलो ना क्या करना है। शाबाश, ये हुई ना बात। ए ये ले। अबे ओए देख क्या रहा है, तांदे इसके ऊपर। ये क्या कर रहा है भाई? अरे गोली चल जाएगी। नहीं नहीं चलाना मत। सही है यार, तू मजाक करता है, जान निकल रही थी मेरी। इसीलिए कहते हैं कि लोफर और टपोरे के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अरे तू क्यों इतना डरता है यार, मुझे मालूम था रिवॉल्वर खाली है। अरे उसे क्या मालूम। ए गन इधर दे। ए इसको कोई भी फिक्स जगह दे दे। चल रे, तुम लोग बाउंड्री में आए हो। तुम लोगों को पैसे दिए तो कहीं भी बाउंड्री मार के बैठ जाते हो, लेकिन कोकरेज शाम के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। अपने कोकरेज शाम को बोल कि पानी की मछली पानी में रहे तो अच्छा है, अगर फड़फड़ाते हुए बाहर आए ना तो उसको पका के निगल जाऊंगा। पूरा बैंगलोर उनके अंडर में है। तेरी जुबान तू बहुत लंबी छोड़ रहा है, लेकिन अगर ये देवा का कहर तुम पर टूटेगा ना तो तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। सरेंडर मेरा पुराना टोकन है, इज्जत से बोल रहा हूँ, तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। तेरे हाथ में जो है वो मेरे पैर में चुपचाप रख दे और यहाँ से निकल जा। क्या ये तुझे दे दूँ? हम भी तो इसके लिए आए हैं। देवा को तुम लोग उकसा रहे हो। तू देवा है तो क्या कर लेगा?
प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो क्या? तेरे एरिया में बहुत सारे गुंडे हैं। अरे ए लोग कोई काम धाम होता नहीं है, जब देखो मार पीट करके। अरे उसे कुछ मत बोलो, वो देवा है। देवा? तुझे पता है एक टाइम का खाना छोड़ देगा लेकिन खून पीना नहीं छोड़ेगा। के साथ प्यार से रहना सीख ले, समझा क्या? वैसे ये देवा किसी के साथ झगड़ा नहीं करता, लेकिन दिल पे ले लिया तो करता है। इस पैसे के साथ तेरी बहुत उम्मीदें हैं, इसे रख और आज के बाद मेरे एरिया में कभी देखना मत, ये लास्ट वार्निंग है। कैटरीना, 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 तुम्हें देखकर मैं बेकाबू हो जाता हूँ। ओहो हो हो हो, तुम्हारी फोटो देखकर लगता है तुमसे अभी शादी बना लूं। फिर तुम आओगी मेरी बाहों में। बॉस। अरे हमारी कोई पहचान नहीं है, फिर भी तुमने बॉस करके पुकारा। कौन हो कौन तुम? फिल्म लाइन में सुपरस्टार बनने के लिए गांव से शहर में सपने लेकर आए हो, कलाकार रमन कुमार तुम ही हो ना? तुमने कैसे पहचान लिया कि मैं कलाकार हूँ? तुम्हें देखकर कौन नहीं पहचानेगा, रमन कुमार, 30 साल पहले का दिलीप कुमार और आज का आमिर और स्टारों का स्टार शाहरुख। और तुम्हारे इन बालों से पक्के स्टार लगते हो। वाकई? मैं गलत हूँ लेकिन मेरा कैमरा गलत नहीं है, इस बात की गारंटी है। ओके 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 ओके, मैं हीरो बनूंगा या नहीं बनूंगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन हीरो बन गया तो ये कैटरीना से मेरी शादी करवा देना प्लीज। तू टेंशन मत ले, रमन कुमार आउट, तेरे लिए सबको आउट कर दूंगा। बोल। तुम जो चाहे कर लो, लेकिन मेरी शादी तुम उसके साथ करा दोगे ना? 100%। माल तो दे, जेब में हाथ डाल क्यों रहे हो भाई? अरे सिटी में सिर्फ कैश ही चलता है बॉस। ऐसा है क्या? ठीक है, मैं मेरे गांव से पाई पाई जोड़कर ये 10,000 लाया हूँ, ये रख लेना तुम। एक मिनट, क्या कर रहे हो? अरे ये अंगूठी क्यों निकाल रहे हो? इन तीनों अंगूठियों से मुहूर्त फिक्स करने जा रहा हूँ। मुहूर्त? यस। ये देवा, तुम हर शुक्रवार को कोई लफड़ा नहीं करते हो, रोजाना तुम अगर ऐसा ही करोगे तो ठीक रहेगा। ए पुजारी जी, शुक्रवार को केवल हम लोग कोयता ही नहीं उठाते बल्कि मारपीट भी कर सकते हैं, और ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। मेरा काम है तुम्हें समझाना, समझ जाओगे तो अच्छा। अरे पंडित जी, आपको पता होना चाहिए कि जिस माँ बाप ने हमें पैदा किया हम उनकी नहीं सुनते, तो हम आपकी क्या सुनेंगे? इस जन्म में अच्छा करोगे तो तुम्हारा भला होगा। पिछले जन्म की पता नहीं, इस जन्म की बात करते हो। ए देवा जल्दी आ। पंडित जी, पंडित जी। Thanks. भगवान भक्त पे मेहरबान हो गए। लेखा खाना खा। इडियट, ऐसे क्यों कर रहा था तू? ज्यादा चढ़ गई है तो घर पर जाकर सो जा। देखो तो जरा,
इतने डिसेंट आदमी के साथ ऐसे बिहेव करते हुए शर्मानी चाहिए तुम्हें। आ? अगर इसकी जगह कोई और होता ना तो तेरा कचूमर बना देता। चल जाए यहाँ से। देखिए सर, इस शहर में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन इतना शरीफ होना अच्छी बात नहीं। कम से कम अपनी सेफ्टी के लिए तो रफ एंड टफ होना ही चाहिए। बच्चा ऊपर कौन से भगवान को देख रहा है, लेडीज है या जेंट्स? मालूम नहीं यार। अरे मालूम नहीं होता तो इतना एक्साइट क्यों होता? कुछ हुआ है क्या? पता नहीं है यार। कुछ भी बोल दोस्त, लड़के सुपर है। लाइफ में लड़की का होना जरूरी है, उसका मजा ही दूसरा होता है। अरे देख कीमा हुआ कि नहीं। मैं देखता हूँ। Hi dear. Hi. Hey, super. Hi dear, super. आप मेरे लिए भगवान हैं। इस मुंबई की गरीब लड़की को आपने रॉयल लाइफ दी, मेरे मम्मी पापा को रहने के लिए घर दिया। I really love you, darling. नमस्कार जी। रेडी घर पे है क्या? हाँ अंदर है। मंत्री कैसे हो? आओ रेडी, बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या मंत्री जी, तेलुगु फिल्म में बहन के रोल के लिए किसी को रिक्वायरमेंट भेजी है ऐसा न्यूज में आ रहा था। गाने वाले का कोई मुंह बंद कर सकता है? आप जैसे इंसान को कोई आगे बढ़ने से रोक सकता है, टोकने वाला भी कौन है? ये कोई इंसाफ है? आप ना रखते हो ना रखने देते हो। वो सब छोड़ो। इस बार पेमेंट में एक अच्छे से डायमंड की घड़ी दुबई से लेकर आया हूँ, ये लो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। पलक जी, डायमंड वॉच मांगी थी ना, ये रही, ले लो। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, ऑसम। पलक अंदर जाओ। ओके सिस्टर। हाँ जी। अगर तुम्हें पसंद नहीं हो तो एक्सचेंज करके ला दूंगा। ओके राजा बोले तो तू है रेडी। सुन, तुमसे क्लब दिलाने के चक्कर में एक प्रोड्यूसर मुंबई से एक हीरोइन लेकर आया और तूने उसे लॉक कर लिया। रखा नहीं है, शादी किया है। मुद्दे पर आओ। इस बार इलेक्शन के चक्कर में मैंने पैसा पानी की तरह बहाया। इलेक्शन तो मैं जीत गया, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने इंक्वायरी बैठाया है। मैं कुर्सी छोड़ दूं ऐसा उसने सरकार को रिपोर्ट लिखकर भेजा है। अगर सरकार ने निर्णय ले लिया तो कल सुबह तक मेरी कुर्सी खाली और मैंने उस कुर्सी पर बैठकर मेहनत से जो पैसा कमाया वो सब चला जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? मेरे लिए लोग रोड पे आने चाहिए, मेरे लिए लोगों को स्ट्राइक करना चाहिए। तू ही है दाता, तू ही है विधाता, ऐसा लोगों को कहना चाहिए। ऐसे में एक दो लोग घासलेट से अपने आप को जलाकर मारने की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसा एक्टिंग करें कि सरकार को लगना चाहिए कि मैं ही इन सब के लिए सब कुछ हूँ, तब मेरी कुर्सी सलामत रहेगी। देवा भाई, ये काम तो बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए पैसे जरा ज्यादा खर्च होंगे। इसके लिए तू टेंशन क्यों ले रहा है? मंत्री साहब अपने साथ है ना, और वो यहीं पर है। ए, छोटे चालाक धमाल मचाते हैं। हमारे एरिया के लिए जो नेता अच्छा सेवा करके गया उसकी खिदमत में आज तुमको बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। ये मैटर थोड़ा सीरियस है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा टोकन है। यहाँ से सीएम के घर तक नारेबाजी चलेगी। इसमें तुम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सीएम मुर्दाबाद, सीएम मुर्दाबाद, सीएम मुर्दाबाद, इस तरह से खाली नारेबाजी लगानी है, बस और कुछ नहीं। सीएम मुर्दाबाद, सीएम मुर्दाबाद, सब दुकानें बंद होनी चाहिए। सीएम मुर्दाबाद, बंद कर देना। सीएम मुर्दाबाद, बंद कर दुकान। दुकान बंद कर।
चार गाड़ियां जल भी जाएगी तो कोई आपत्ति नहीं है, जलने देना उसको। सिब्रा, सिद्धा, हाँ तुम लोग तेल डालने के लिए तैयार हो ना? कभी भी बोलो, हम तेल डालने के लिए तैयार हैं। अपने माँ बाप के सामने शराब पीने की बात कर रहे हो क्या? मैं तो तुमसे घासलेट डालने की बात कर रहा हूँ, 3,000 रुपए दिलवाऊंगा, बोलो मंजूर है क्या? महादेव, ये सब क्या हो रहा? नहीं मंत्री जी, मेरी गलती नहीं है, अपोजिशन वाले इंक्वायरी कमीशन बैठा के आपको नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन वो तो तुम्हारे आदमी है, उनको रोकना चाहिए। सुनेंगे सुनेंगे वो लोग मेरी बात, जरूर सुनेंगे। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसको मेरी जनता क्या सहन करेगी? और अगर मेरी जनता को कुछ हुआ तो मैं भी उनके साथ अपनी जान दे दूंगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, जो हो रहा उसे होने दो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेलो, सब रेडी है ना? हाँ, सब कुछ रेडी है। घासलेट भी हाथ में लेके खड़े हैं बॉस, देखना कहीं सच में न जल जाए। मुर्दाबाद, बॉस अपने बीच क्या तय हुआ था? घासलेट डालेंगे तो अपनी क्या? मुर्दाबाद, सीएम मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद, हो जाइए। आप लोगों की सारी मांगे मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। हमारी मांगे सोचने का मौका दीजिए मंत्री जी, हमारी मांगे पूरी करो। मैंने आपको पहले ही कहा था। अधिवेशन के आखिर में वहाँ पर आग लग गई और मंत्री जी वहाँ पर उपस्थित थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। अचानक आग लगने की वजह से बहुत इस बारे में मुझे पहले नहीं बताया गया था। देवा के भरोसे रहता तो सब चौपट हो जाता। सब ठीक हुआ, मंत्री के लिए दो आदमी जल मरे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? फिर भी तुम लोगों को एक बार मुझे बताना चाहिए था ना। देवरू खामोश नहीं बैठेगा। क्या करेगा वो, क्या कर सकता है वो? फड़ीचर मेरा क्या कर सकता है? अरे मेरे भाई का हो रहा है। अरे दोनों आपस में लड़ गए। जानवर वो एक नंबर का शैतान है। ए देवा, ए छोड़। ए तू मंत्री है कि कौन है रे? क्या समझते अपने आप को? तुम लोगों के सपोर्ट के लिए हमने इतना बड़ा जुलूस निकाला और तुमने हमारे ही दो आदमियों को पेट्रोल डाल के चला डाला। तुम लोग क्या लोगों की रखवाली करोगे रे? धूल तुम लोगों की जिंदगी पर। देवा भाई, आप बीच में कुछ मत बोलो। आप मुझ पर यकीन करते हैं, मैं आप पर यकीन करता हूँ। वैसे लोग मुझ पर यकीन करते हैं, अगर इसके बाद भी हमारे साथ धोखा होता है तो लोग मुझ पर यकीन कैसे करेंगे और मैं आप पर यकीन कैसे करूँ, बताओ? भाई रास्ते पर जो दो लोगों को जिंदा जलाया गया, अगर उनके परिवार की हालत आप सुनोगे ना, पेट जलता है भाई, पेट। अरे वाह 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 वाह, शाबाश। इसे देखो, भगवत गीता का उपदेश दे रहा है। ए, अब तक तुमने जिन लोगों को मारा, क्या वो गरीब आदमी नहीं थे? क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे? और तू उनकी सुपारी लेता था, मर्डर करता था तो उनका खून नहीं बहता था, हाथ पसार करके सुपारी के पैसे लेता था, तब तेरा ईमान कहाँ चला गया था? ए, कान खोल के सुन ले, तुझ पर मुझे यकीन नहीं है, मगर तेरा एहसान था मुझ पर। आज तूने हाथ उठाकर उस एहसान पर लात मार दी। क्या लेगा तू मेरा? क्या कर लेगा तू मेरा? देवा, तुम जाओ, शांत होकर घर जाओ, जाओ जाओ जाओ।
देवा जो बोल रहा है वो सही भी है, तुम गलत हो। राजकुमार स्टार, शंकर स्टार, अमरीश स्टार, दर्शन स्टार, अगर इनके बाद किसी का नाम आता है तो नमन कुमार। ये ड्रेस पहन के कोई भी एक्टिंग करे तो एक साल के लिए गोल्ड जुबली की गारंटी। यस, तू स्टार है, तू क्रेजी है, जा तू जा। ए, तू मेरे सामने स्टार बन रहा है, एक पप्पी तू दे। थोड़ा इधर, इधर, हाँ, ओ, बॉस, I want more emotional बॉस। अरे, अरे, थोड़ा और इधर बॉस, हाँ, संभाल के। ओ, भाई, ए, देख इंस्पेक्टर कैसा पोज दे रहा है। चल उठा इसे। कैसे दरिंदे हैं यार, तेरे नसीब में एक भी फोटो नहीं आया, कैसे एक्टर बन गया? ए, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया फिर भी तूने उसको अंदर करवाया, तेरी माँ की। अरे मैंने किसको अंदर किया? मुझे नहीं पता। तूने ही शूट किया था ना मेरे भाई परमेश्वर को, जानते हो हम लोग कौन है? हाँ, मैं नहीं जानता किसकी बात कर रहे हो तुम। अब तुम कौन हो? मारा उस चंद्रा आईपीएस का बेटा हूँ। चंद्रा आईपीएस? हाँ। मीरप्पन का असिस्टेंट। तुमने जिस जिस को मारा है ना, हम लोग उसका पता लेने आए हैं। अरे कैसे पैदा हुए हो रे तुम लोग, मेरी हर बात गलत समझ रहे हो तुम। जैसे तू पैदा हुआ है ना, उसी तरह हम लोग पैदा हुए हैं। हाँ, अरे बाबा, तुम्हारे सवालों का और मेरे जवाबों का कोई तालमेल नहीं है रे। तुम पूछ रहे हो एक सवाल, मुझे नहीं पता मैं क्या जवाब दे रहा हूँ उसका। बाबा साईं बाबा। हाँ सुधीर तलवी। हे राम। ओ अरुण गोविंद। हाँ हाँ, तो ये लोग मेरे भगवान के नाम के साथ इनके हीरो का नाम जोड़ रहे हैं। तुम सब लोग क्या पिक्चर के दीवाने हो? हटो, चलो, छोड़ो पागल कहीं के। क्या वो पागल थे? हाँ पागल थे सर, उनको पुलिस की ड्यूटी नहीं मिली इसीलिए वो ऐसे हो गए हैं। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद पुलिस यूनिफॉर्म में जब देखते हैं तो उसको किडनैप करके उसको इसी तरह मारते हैं। अरे बाप रे, यू लकी, छह तो चले गए। लगता है मैं खुद पागल हो जाऊंगा। कब आए सर? सर पिछले साल से, इस साल भीड़ कुछ ज्यादा हुई है सर, इसके लिए सिक्योरिटी भी कुछ ज्यादा करनी पड़ेगी सर। दिव्या। हाँ? यहाँ ये है नागे रेड्डी सर, इस इवेंट के लिए इन्होंने ही फाइनेंस किया है। ओ, हेलो सर। हाँ, बैठो। ओके। सर आप लोग बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। हे मंजू, बैकअप रेडी हुआ क्या? बहुत खूबसूरत हो। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ, सॉरी। Don't you have any manners? This is ladies' toilet. Manners को छोड़ दो, ये लो। ये क्या है? Gift. ये क्यों? कोई बात नहीं, रख लो। मुझे नहीं चाहिए। कॉम्प्लीमेंट के लिए नहीं, कमिटमेंट के लिए। आज रात को मेरे साथ सोएगी। लड़की को पैसों से खरीदने की चीज समझ रखा है क्या? Idiot. पकड़ो उसको।
भगवान के नाम पे दो ना। श्यामा से मैंने गाड़ी फिक्स करवा ली है, यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे और श्यामू हम लोग को मुंबई की ट्रेन में बिठा देगा, राकेश वहाँ पिकअप कर लेगा। भैया शाम को देवराज सर्कल पर अर्जेंट मिलने के लिए बोलो। हेलो श्याम, देवा तो उसे अर्जेंट मिलना चाहता है, शाम को सर्कल पर मिल ले। है क्या? ये आपका घर है क्या? तुम्हारा हो या मेरा हो, तुम यहाँ पर आकर लुक्का छिपी क्यों खेल रही हो? कुछ गुंडों ने मुझे पकड़कर एक कमरे के अंदर कैद कर लिया था, मैं किसी तरह से भाग कर आ गई, वो मेरे पीछे पड़े हैं और मैं यहाँ पर। ये हमारे अंडर में थी, वहाँ से भाग के आई है, उठा ले बेटा इसे। क्यों रे, तुमको अपने हाथ पर तुड़वाना है क्या? ये नागी रेड्डी की अमानत है, खाली पॉकेट में प्रॉब्लम में मत पड़, इसे हमारे हवाले कर। नागी रेड्डी कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है क्या? थू? कौन सा खिलाड़ी है रे वो? बहुत ज्यादा बात कर रही है। गंदी चक्कर हम जा रहे हैं, ये जगह खाली करो। चलो 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 रे, बाहर चलो। बेटा घर का सारा काम हो गया है, मैं अब चलती हूँ। तू कोई 16 साल की लड़की है क्या, या फिर तेरी नई नई शादी हुई है जो तू घर पर जाकर चुपचाप सो जाएगी? इसका ख्याल रख, इस लड़की को कुछ भी मालूम नहीं है, मैं अभी आता हूँ। मेरे आने तक अगर ये लड़की यहाँ से चली गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। अंदर आओ बेटा, आओ। याद रखना बुढ़िया। दादी ये देवा है क्या? हाँ हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? असल में मैंने उसे उस दिन मंदिर में देखा था। हाँ हाँ, तुमने शुक्रवार को देखा होगा। बस आज रात ही रुकूंगी, सुबह मैं चली जाऊंगी। अरे रे रे, अभी आई और सुबह जाने की बात कर रही हो? देखा नहीं गुंडे लोग लड़कियों को छोड़ते नहीं? ऊपर से तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें क्या छोड़ेंगे? आधी रात को लड़कियों का घूमना अच्छा नहीं होता। ए बच्चे सुन ले, धरती पे पैदा होने के बाद खा मेरी पी मेरी, नहीं तो कुछ भी करना मेरी माँ। इंसान के बच्चे पैदा होते हैं एक ही बार, एक ही बार, हम सारे बच्चे एक ही बार। निकल गई छोड़ उदासी छोड़, बाहर भी छोड़ दे अंदर भी छोड़ दे, छोड़ दे। हॉट पिज्जा ले ले, हॉट पिज्जा ले ले, कोल्ड पिज्जा कोल्ड पिज्जा कोल्ड पिज्जा। मारेगी जल्दी जल्दी आ, बाबा बाब भी मारेगा, आजा आजा, तेरी दादी भी गाली देगी, जल्दी जल्दी आ, मेरी मिसेज भी रोएगी। नहीं नहीं, एक बार मुझे मिले नहीं नहीं, एक बार मुझे मिले नहीं नहीं, तुम ना मिल पाएगी, नहीं 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 पाएगा। है राइटर नसीब का तेरे लिखेगा पेपर, छोड़े बिना उसे फाड़े बिना वो लिखता ही जाएगा। आदमी का जमीर खराब है, जन्म से ही उसका कर्म है, लड़ बिना देखो भीड़ बिना देखो जमीर बचा रहा है। हे तेरा काम छोड़ के आजा मेरे पास जंगली, पत्थर जैसी बदन की ताकत दिखा दे मुझे इधर। पॉपुलेट सी है तू, काहे को तू सता, ना 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 रंगीला तू है जिसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। आजा आजा, मामा 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 मारेगी, जल्दी जल्दी आ, बाबा बाबा भी मारेगा, आजा आजा, तेरी दादी भी गाली देगी, जल्दी जल्दी आ, पर मिसेस भी रोएगी। चिकनगुनिया भी रोका, फिर क्या है कलरा वलरा, मैंने तो सब सीखा, बट वायू तुमने क्या सीखा? माथे पे रख के रुपए का क्वाइन, हॉट डॉग पिज्जा खा लो खा लो, सारे देखो यहाँ पे बैठे बैठे रब लब 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 है करते।
खाली कमरे में जब होंगे हम तुम एक दूजे के प्यार में गुमसुम, दिन देखे ना रात देखे बस करते रहेंगे प्यार, खो जाएंगे प्यार में इतने रात दिन हम अंदर रहेंगे, दिन देखे ना रात देखे बस करते रहेंगे प्यार। ए, मेरे गरम बदन पे कोई ठंडा पानी डाले, मैं पिघल तो नहीं जाऊं कोई असर ना। अरे नहीं 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 इतना क्यों तड़पाए, कोई भी कली मैं तो चलू तेरे मन में क्या है राधे, आजा आजा एक बार मुझसे मिल जाने जाना फिर ना मिल पाएंगे, आजा आजा एक बार मुझसे मिल, आजा 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 आ। खाना खा ले नहीं खाऊंगा जितना कर तू चुप हो जा फिर क्या होगा, कुछ भी ऐसे कैसे मेरी मर्जी क्या करेगा, मैं पीऊंगा दारू से तो किडनी फेल हो, बीड़ी पियोगे तो कैंसर होगा, दारू पियोगे तो लीवर जाएगा, तड़प तड़प के यूं ही मरेंगे फिर भी ना माना रोका बहुत। अरे मेरा घर आ गया, रिक्शा वाले भाई जरा रोक दे, अरे कोई ऐसी चीज आंखों को दिख जाए जिसमें मेरी सुपर, तो घर पे जाके सीधे सो ही जाएंगे। सुपर ये रात ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, भीगी भीगी रातों में हम भी तुम्हारे हैं, ऐसी बरसातों में और ना, बेडशीट इधर है उठाओ ना, आजा भीगी भीगी रातों में। पद्मा क्या बात है इतनी रात को इधर? भैया तू रो क्यों रही है? हाँ वो क्या है कि जेजे कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मोहन नाम के लड़के से 3 साल से प्यार करती हूँ, लेकिन आजकल उससे कुछ रंग बदले से लगते हैं, जब भी शादी की बात करती हूँ कल करेंगे परसों करेंगे बोल के टाल देता है, उसके इन्हीं बातों से मैं बहुत परेशान हूँ। इस बारे में तेरे बड़े भाई को मालूम है क्या? नहीं भैया, उनको पता चला तो मुझे मार डालेंगे। मालूम ही मत पड़ने देना, वो बहुत बड़ा सनकी है, मैं देख लूंगा, तू जा यहाँ से, तुझे मुझ पर भरोसा है ना? तू जा यहाँ से। ए, इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है यार, उसको एग्जाम में कम मार्क्स आए ना इसलिए डर रही है कि तू उस पर गुस्सा होगा और उसको जरूरत से ज्यादा डांटेगा इसलिए इधर आई है। वैसे भी इससे पहले कौन सा अच्छा नंबर लेके आई, चल तू अंदर चल। तुम जाओ ना। सर इसको अरेस्ट करना टोटली वेस्ट है, पहले भी इसको अरेस्ट किया था लेकिन फिर भी वहां से वो भाग निकला। अरे क्या मस्त नींद आई थी भाई, क्या बिडू नाम क्या है तेरा? रेप राजा। रेप राजा, वाओ क्या सुपर नाम है। वो मारवाड़ी की औरत को तुमने कुछ किया है, क्या किया है जरा बताओगे? अरे चाहो ना सर। अरे शर्मा क्यों रहा है, तेरे को करके दिखाने को थोड़ी बोला हूँ। अरे तू तो बस बढ़िया से एक्सप्लेन करके बता दे, वैसे भी बोर हो रहे हैं। तो क्या है ना सर, हम लोग रॉबरी करने के इरादे से गए थे, तो मेन डोर बंद होगा सोच के बाथरूम के डोर से गए तो वो नहा रही। क्या सच? बहुत कड़क माल थी सर। अरे मजा आ गया, वो तुम लोग को देखकर जोर से चिल्लाई नहीं? अरे चिल्लाती नहीं तो क्या करती, मेरी वाइफ थोड़ी जो कंपनी। अरे यार मैं भी क्या मूर्खों की तरह सवाल कर रहा हूँ, आगे आगे फिर क्या हुआ? फिर वो चिल्लाने के मूड में थी लेकिन हमने उसके मुंह पे कपड़ा डाला और मैंने काम शुरू कर दिया, उसका हाथ नहीं बांधा था, सामने पड़ा सामान उठाकर सर पे मारने लगी, तब मैंने उसके सर पे डिची उठा के मार दी और वो वहीं लेट गई। अरे तू तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है यार। तेरा साइड में रुकना, चाय पीते हैं। सुन वैसे 12 साल की लड़की के साथ तूने लिंक हॉस्पिटल में किया था, उसका क्या मैटर है? वो उम्र में सिर्फ 12 साल की थी लेकिन अंदर से 18 से कम नहीं थी, वो कह रही थी कि आइए सर, कह रही थी कि कंडोम लगा के कर, कंडोम लगा के कर, फिर मैंने उसको गर्म किया, फिर सेफ्टी की बात कर रही। अरे क्या हुआ,
अरे वजन ज्यादा था इसलिए रख दिया। अरे तू अपना चालू रख, चालू रख। उसके बाद क्या होना है सर, वो मेरे नाम पे बवाल खड़ा कर देती और अपना काम तो हो गया था, इसलिए मैंने सोचा उसका काम तमाम कर दूं। क्या हुआ सर? ए देखा, एक खतरनाक लुक दिया तो इसकी फट गई है। कितना अच्छा है फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन किया पापी बेटा। अच्छा ये बता, और तूने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया है? गिनती में तो ऐसा है सर कि 12-13। ओहो, गिन के रखा है 12 और 13, याद भी रखा है मेरा खिलाड़ी बेटा। टाइम हो गया है, चले हम लोग। ठीक है सर। बॉडी को डिस्पोज करो, अच्छे से उगलवाए इस जानवर के बच्चे से। अब तक 12 लड़कियों की रेप कर चुका है, इसने हमें यही बताया। अगर इसको छोड़ देता तो ये लड़की हमसे भी मांगता, इसके लिए साले को शूट कर दिया। पुलिस बोले तो ऐसे लोगों के दिल में डर होना चाहिए। सर, रामी रेड्डी, देवा, नंदी, इन सबके सामने कंपेयर करें तो ये बॉडी बेस्ट है। लोगों का खून बहाना इनकी आदत है, इनको पहले शूट करें। ऐसे डायरेक्ट शूट नहीं करते, पहले उन्हें वार्निंग दिया जाता है, अगर नहीं माने फिर शूटिंग। कौन है वो? रामी रेड्डी। कॉफी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम लोग जो धंधा कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। बहुत कुछ कर रखा है, पूरे बेंगलुरु सिटी को टेप के मेजरमेंट से नाप कर अंडर में कर रखा है। छोड़ दो, बहुत हो गया, छोड़ दो, अब बहुत हो गया। छोड़ने के लिए पिंजरे में रखा कोई कबूतर नहीं है, हमारी मेहनत से की हुई भक्ति है। भक्ति जैसा करने के लिए कोई भगवान का काम है क्या? क्रिमिनल का काम है सर। नहीं, छोड़ दो सर। वही मैं भी कर रहा हूँ सर। अच्छी बीवी, सोने जैसे बच्चे हैं, अच्छी जिंदगी जियो ना सर। मैं तो बहुत आराम से हूँ सर, लेकिन आप भी आराम से क्यों नहीं रहते? ये हरामी का काम आप छोड़ क्यों नहीं देते सर? बहुत हो गया डायलॉग, ये हमसे नहीं छूटता सर, आप ही छुड़वा दो ना, छूटता नहीं। छुड़ाने को तो मैं यूँ छुड़ा दूँ सर, बस एक सबूत की जरूरत है, और अगर नहीं भी मिला तो डायरेक्ट शूटिंग सर। अभी अभी ड्यूटी ज्वाइन की है, कांस्टेबल से कमिश्नर तक डायलॉग ही डायलॉग। तुमने सिर्फ अब तक डायलॉग मारने वालों को देखा है, लेकिन मेरी तरह स्टाइल में मारने वाले को नहीं देखा है। मैं तुम दोनों का दरबार खत्म करने के लिए आया हूँ। और ए, तुझे बोल रहा हूँ, इन लोगों के बलबूते तेरा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जिस तरह गाँव में गधे दौड़ते हैं ना, उसी तरह भगा के मारूंगा। ए, मैं वार्निंग सिर्फ एक बार ही देता हूँ, उसके बाद मैं फिनिशिंग पे उतर आता हूँ। क्या बे, ऐसे आके फाड़ फाड़ के लड़कियों को देखा था? हाँ, नमस्ते साहब। देवा, नंदी, रामी रेड्डी का लेफ्ट राइट। ए, बस एक सबूत मिलने दे, फिर तुम लोगों का हाथ पैर अलग कर दूंगा। ओ, तो गवाही देने मैं ही जाऊँ क्या सर? अरे छोड़ दो। ए, तेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है क्या? चल चलते हैं। बाय सर। बाय। अरे ये तो अपने पीछे आ रहा है यार। ए, मैं तुम लोगों को दो चांस देता हूँ, एक भाईगिरी छोड़ दो या तो अपनी जान गंवा दो। माँ कसम सर, हम दोनों ये काम छोड़ने से मजबूर है, लेकिन हमारे काम के बीच में जो आएगा हम लोग उसको ठोक देंगे। अबे ओ टेढ़ा नहीं, पहले आड़ा आड़ा फिर टेढ़ा। अरे सर, आगे किसने देखा है? जो होगा देखा जाएगा, आप अपना काम करो ना। अब आगे देखने के लिए कुछ बचा नहीं है, तुम दोनों की मौत मेरे हाथों ही लिखी है, लिख लो तुम लोग। सर अंगूठा छाप है, लिखना नहीं आता है। ए, अंगूठा छाप, सामने देख के गाड़ी चला। सर आप भी ठीक से गाड़ी चलाना सर। हाँ हाँ, ठीक से जाना, ठीक से। दिव्या, अगर तू मेरे घर जाएगी तो वो लोग तुझे किडनैप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जगह तेरे लिए सेफ है, जब तक दूसरी अच्छी जगह नहीं मिल जाती हम लोग यही रुकते हैं। लेकिन यहाँ भी तो सब गुंडे लोग रहते हैं, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मुझे तो बहुत डर लगता है। यहाँ देखो, तुम जैसा सोचती हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये लोग तो बहुत अच्छे इंसान है। अगर तुम जैसी कोई भी लड़की गैंग को देखेगी तो डर ही जाएगी, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं है और इज्जत की बहुत इज्जत करते हैं। 2 किलो मीठा तेल देना जरा, ये नसीब का खेल है, इस धंधे में पढ़कर उसने नाम खराब कर लिया। वैसे अच्छी बात ये है कि अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाए तो उसकी तरफ वो आँख उठाकर भी नहीं देखते। क्या
पांजा बनाया यार, पतंग ठीक से कट नहीं रही है। फटाक से खींच, अबे ठीक से बनाना। ए चल खींच खींच। हाँ, और ऊपर और ऊपर। हेलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हमें भी यही चाहिए था। हाँ बात कीजिए बात कीजिए। देवा बात करना। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही हफ्ता रुकूंगी, उसके बाद मेरा लवर मुझे यहाँ से आकर ले जाएगा। लवर? कौन है वो? मेरा लवर? वो तो तुम लोगों से भी बड़ा फंटर है। फंटर? उसका नाम सुनते ही तुम लोग पिघल जाओगे। अरे भाई पहले इसके लवर के बारे में सुन लो, नहीं तो अगर पिघल जाए तो मुश्किल हो जाएगी। खलनायक खलनायक खलनायक। देख यार इसकी तबीयत तो ज्यादा ही खराब हो रही है, तीन बार भौंक रही है ये। हाँ। तुम लोग भूल ना जाओ, इसीलिए बोल रही हूँ मैं। हाँ, हाँ। मैं अपने लवर से बचपन से ही प्यार करती हूँ। मेरे दिल में वही बसा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से आए और मुझे यहाँ से लेकर कहीं दूर चला जाए। मैं अभी आती हूँ। देवा सुना तुमने, इसका बॉयफ्रेंड आएगा और इसे यहाँ से लेके चला जाएगा। लगता है राग देके गई है। अरे छोड़ना यार, जाने देना। देवा अमाउंट रेडी है, सेठ का फोन है। हाँ अच्छा ठीक है। क्या सेठ जी बहुत बिजी लग रहे हो आजकल? अरे देवा बैठो बैठो। क्या सेठ, आप तो बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाते चले जा रहे हो लेकिन अपना हफ्ता पानी तो अब तक पहुंचा नहीं है। अरे अमाउंट जमा करने के लिए थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए देर हो गई, अब ले लो। अरे ये सब पुराने डायलॉग बोलना छोड़ दो, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से तो हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। तुम्हारे जैसे लोग गरीब लोगों को हटाकर बिल्डिंग बांधते हैं, तुम जैसे लोगों को तो लात से मारना चाहिए। मर्डर भी हो गया, रोल कॉल भी हो गया, तो यहाँ पर क्या टोकन लेने आया है? सेठ ने मुझे कंप्लेन किया है बाबा। चल चल तेरा खेल खत्म। अरे रेडी भाई, आपके कहने के मुताबिक मैंने कंप्लेंट तो कर दी है, अगर वो बाहर आएगा तो मुझे नहीं छोड़ेगा। अब वो अंदर गया है, बाहर आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। भेजा है तुमको मुझे मारने के लिए? तेरी तो तू। तो
क्या लग रहे हो बॉस? मोगैम्बो, पुलिस के ड्रेस में लोग उठा ही ले जाएंगे और इस डॉन के ड्रेस में तुम्हें कोई नहीं उठा के ले जाएगा। बॉस मारो, बॉस मारो। अबे दलिंदर, 10,000 रुपए कैश, 3 अंगूठियां ले ली तुमने, अब तक मेरी पासपोर्ट साइज फोटो भी नहीं खींची है तुमने। बॉस मैं आपकी कोई ऐसी वैसी फोटो? अरे चुप, बात मत कर। अब तक किसी स्टूडियो का दरवाजा भी नहीं दिखा तुमने। आप ही तो भाग जाते हैं। अरे मैं कहाँ भाग जाता हूँ, लोग आकर मुझे उठा कर लेके जाते हैं। ओके बॉस, एक आइडिया है। इस गेटअप में एक फोटो ले लेता हूँ, फिर देखना धारावी के सारे गुंडे आपके चरणों में होंगे। रेडी? ये चलो बॉस, रेडी बॉस, डब्बा बॉस। अरे जब मैं खुद नहीं देख पा रहा हूँ बॉस, तो दूसरे लोग क्या देखेंगे? एक्सक्यूज मी अंकल, हेल्प मी प्लीज। अरे अरे सुनो, हेलो, अब बताओ ये बॉस कैसा रहेगा? वेरी गुड बॉस, सुपर बॉस। एक मिनट, ले तू एक और ले, निकाल फोटो। अच्छा 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 बॉस, ले और ले और ले और। अरे अरे मेरे दादा को इतने मार डाला है, जल्दी। दादा है? मुझे लगा किसी का दादा जी होगा। मर गया। अरे भागो, अरे जान बची। अरे राणा, अब एक ही रास्ता है इसके। अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, भाग, अरे पकड़ो, उसे भाग रहा, पकड़ो। अब भागने के लिए जगह ही नहीं है। भाई भाई भाई, पेटी पेटी दे दो, मेरी पेटी दे दो। एस्केप। अरे बाप रे, बाप रे, पकड़ो पकड़ो इसे। अरे ये रास्ता तो खत्म हो गया। भाग यार, भाग, घेर लो, घेर लो, जरा। ये पेटी ढाल बन के तेरी रक्षा करेगी। पता नहीं इसके अंदर से क्या निकलेगा। ये तो सर मुड़वा सकता है और उड़ा भी सकता है। अरे तो कोई बहुत बड़ा भाई लगता है। नहीं, ये कोई टेररिस्ट लग रहा है। अरे ये तो आसाम से भागा हुआ उल्फा का आदमी है। अरे बाप रे, ये लोग तो मुझे अलग ही नामों से पुकार रहे हैं। मैं अपना एक नाम खुद ही रख लेता हूँ, लेकिन क्या रख लूं? ए, आपको पता है मेरा नाम क्या है? नायर। किसी भी हॉल में मंडी रेड्डी बच गया, ये मैं सुनना नहीं चाहता। मार डालो उसे। ए देवा, तुमने क्या मजाक समझ रखा है क्या? अगर मंडी रेड्डी को मार दिया तो क्या प्रॉब्लम होगा तुम्हें मालूम है क्या? एए, तूने सोचा है क्या? उसने हमारे धंधे में हाथ डालने की कोशिश की है, तो क्या मैं चुपचाप बैठूं? देवा, उसको उठाने के बाद छोड़ दे, तेरा बेल रेडी हो गया है। पहले बाहर तो आ, उसके बाद फिर आराम से बात करेंगे। पहले सेटल कर, फिर बात करेंगे। नहीं नहीं देवा, पहले बात तो समझ। ये रामी रेड्डी अपने भाई को दिलो जान से प्यार करता है। इसके लिए तो मैं तुझे बोल रहा हूँ कि उसको उठा ले। अगर हम लोगों ने उसे उठा लिया तो वो हम लोगों को छोड़ देगा क्या? ए देवा, उन लोगों को बाहर भेज दो। जी ठीक है सर, हम लोग चलते हैं। ए सिसी मंजा, सूटकेस में घोड़ा रखा है। शेखर भाई, शेखर भाई, आजकल आप कहाँ गायब रहते हो, दिखाई नहीं देते हो। अरे वो देवा ने मंडी रेड्डी को मारने के लिए कहा था ना, तो उसी को मारने का इंतजार कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो भाई? क्या तुझे नहीं पता? शेखर भाई, वो जगह मालूम है क्या तुम्हें? हाँ, सब रजिस्टर ऑफिस। ठीक है, चलो चलो गाड़ी स्टार्ट करो। चलो। रामपुर के बगल में एक जमीन है, सर्वे नंबर 72/11, बहुत बड़ा एरिया है, गोमाड़ा। ये गोमाड़ा की जमीन भी आपके बड़े भाई के नाम करने का आदेश मिला है। ये सारी जमीन उसके नाम कर देंगे तो हम लोग फिर ओ समझे, इसलिए तुम ये सारे पेपर मेरे नाम कर दो, जल्दी करो। हटो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लागन मुझे दे। अरे तुम सबका दिमाग खराब है क्या?
को उठाने के लिए देवा ने ऑर्डर दिया। अरे तुम सब ये पागलपन छोड़ दो, ये रामा रेड्डी का आदमी, चलो यहाँ से। अरे कह रहे चलो यहाँ से तुम लोग। देवा ने डील फिक्स किया है और नंदी ने ये सारा काम किया है। सेठ ने डर कर केस वापस ले लिया है और वो जो देवा है ना वो बाहर आ गया है। रेड्डी साहब, आई एम वेरी सॉरी। रेड्डी साहब, आपके भाई को किसने मारा, किसी पे शक है? कैसी बेकार जिंदगी है ना अपनी, टाइम फिक्स करने का और मार डालने का। कभी हमने सुकून से बैठकर खाना खाया है क्या? दूसरों को रुलाने में ही हम लोगों को मजा आता है, ये भी कोई जिंदगी है क्या? क्या नंदी, बहुत डरा डरा सा लग रहा है। रामी रेड्डी ने पुलिस के सामने बोल दिया हम पर उसको कोई शक नहीं है, फिर किस बात का डर है? ए तू जा रे। मेरे भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे लिए नहीं, मेरी बीवी बच्चों के लिए। ए भाई वो लड़की तुम्हें पसंद करती है ना, तू भी उसे पसंद करता है ना, तू उससे शादी करके घर बसा ले भाई। सुनिए जी, क्या हुआ? राधिका अब तक घर नहीं लौटी है, काफी टाइम हो गया है। अरे आ जाएगी ना, लगता है बारिश होने वाली है, अब जाकर देखिए ना। भाई मैंने जो बोला जल्दी है, चाहिए ना। ठंडे दिमाग से सोचना। चलो बच्चों आओ, हाँ नीचे आओ, संभल के, हाँ आजा। अरे तुम लोग आ गए क्या, चलो। अरे सुनो बिटिया, इधर आओ, ये लो चॉकलेट। मुझे नहीं चाहिए अंकल। अरे बेटी क्या कर रही है उधर? अंकल चॉकलेट दे रहे पापा। अरे इधर आओ ना। अंकल छोड़ो मुझे। अंकल पापा। ए रुक, ए किधर जा रहा, मेरी बेटी को लेके। ए रुक पापा, किधर पापा? नंदी की बेटी को उठा कर ले गए। ए छोड़ दे, ए रुक रुक रुक, छोड़ दे मेरी बेटी को। ए किधर लेके जा रहा मेरी बेटी को? ए रुक पापा, अरे मैं कहता हूं रुक रुक पापा, ए छोड़ दे मेरी बेटी को पापा। पापा पापा, हाँ बेटी आ जाओ। पापा, पापा ये लोग कौन है पापा? पापा मुझे डर लग रहा है पापा। पापा तुम मत रो बेटी, चुप हो जा, चिंता मत कर बेटी। चलो पापा, बेटी तू घर जा, मैं भी आ रहा हूँ। बेटा मैं आता हूँ ना, तू जा जाओ बेटी। बेटी माँ की बात मानना, उसकी हर बात को ध्यान से सुनना बेटी। जाओ ना बेटी, अरे बेटी जाना जाना बेटी, जा बेटी जल्दी जा। मैं आ गया हूँ। अरे रेड्डी,
तुम्हारा काम है, मदद करो, इसको अस्पताल लेके जाना है, इसको चाकू लग गया है, इसको अस्पताल लेके जाने के लिए मेरी मदद। ये सब मुसीबत में हमको मत फंसाओ, अगर इसको बचा लिया तो वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। जवाब दे देवा, देवा बोलना दे। नंदी, 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 देवा, चल उठ देवा, उन लोगों ने नंदी को बड़ी बेरहमी से मारा है ना, नहीं छोड़ूंगे उन लोगों को हम, जो होगा देखा जाएगा, चल उठ देवा। देवा, इस तरह खामोश बैठने से कुछ नहीं होगा। नहीं भाई, पुलिस को सच बताकर हम सरेंडर कर देते हैं, नहीं चाहिए हमें ऐसी जिंदगी। फेंक दे इसको, फेंक दे इसको, फेंक दे इसको। ए देवा, पागल हो गया क्या तू? तूने उसको मरते देखा है क्या? मैंने इसको मरते देखा है, मैं था वहां पर, मैं था वहां पे, इन्हीं हाथों से मैं उसको उठाकर अस्पताल लेके जा रहा था, और इन्हीं हाथों में उसने अपना दम तोड़ दिया और मुझसे कह रहा था मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे जीना है। अगर एक कुत्ता भी सड़क पर मर जाता है तो उसको उठाने के लिए वैन आती है, और जब हमारा नंदी रोड पर मर रहा था तो एक आदमी गाड़ी तक रोकने के लिए तैयार नहीं था। वो दम तोड़ते वक्त कितना रोया तुम लोगों को मालूम है? मुझे मालूम है, मैं समझ रहा था। ए, हम लोग यहाँ के भाई है ना, गुंडे है, बदमाश है, दादा है, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, लेकिन आज हमारे बुरे वक्त में हमारे कोई भी काम नहीं आया यार, कोई काम नहीं आया। वो लोग जब हमें बुलाते हैं तो हम जाके उनकी मदद करते हैं, लेकिन हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। तू चलो यहाँ से चलते हैं। देवा, नहीं देवा, ऐसा मत करो, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। देवा, क्या बात कर रहा है तू? फिर से वही बात कर रहा है? देख, आज मेरी वजह से वो नंदी वहाँ पर मर गया, कल को तू मरेगा, परसों ये मरेगा, उसके बाद ये मरेगा, इस तरह से एक एक करके हम सब लोग मर जाएंगे। तू है ऐसी गुंडों की जिंदगी पर? नहीं, मुझे ऐसी गुंडों की जिंदगी नहीं चाहिए, ऐसी गुंडागर्दी मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं जीना चाहता, मैं नहीं जीना चाहता। वो मेरा दोस्त नंदी, वो वहां पर सोया है, मेरी जान है वो, नंदी, नंदी, ए नंदी, नंदी, ये देखना इसका परिवार कैसे उजड़ गया है। आज हम लोग कसम खाते हैं, ये काम छोड़ देंगे, हम लोग ये काम छोड़ देंगे। नंदी के सर की कसम खाकर कहता हूँ, यहाँ जितने भी लोग बैठे उन सबकी कसम खाते हैं, आज के बाद ये सारे काम हम छोड़ देंगे। कसम दो मुझे, अरे कसम दो ना मुझे, कसम दो मुझे, ये सब काम हम छोड़ देंगे। ये क्या अचानक तुम लोग का ऐसा डिसीजन? इतने दिनों से हमने जो कुछ भी किया उसका हमें एहसास नहीं हुआ, लेकिन आज जब हमारा दोस्त नंदी मर गया तो हमें पता चला कि जिंदगी की कीमत क्या है, और आपने हमें कई बार समझाया कि जो कर रहे हो वो गलत है, हो सके तो अपने आप को सुधार लो, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए और उसका पछतावा आज कर रहे हैं। जब तुम्हारे अपने की जान गई तो तुम्हें अफसोस हो रहा है, और उसके लिए तुम्हारी आंखों से आंसू भी टपक रहे हैं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। याद रखो, हर इंसान को अपने किए की सजा जरूर मिलती है, हम लोग भी सजा इसलिए देते हैं ताकि आदमी अपनी गलती को सुधार ले। देवा, ये समझ तेरा पुनर्जन्म हुआ है, गलती मत करना, साइड में खड़े रहना, इसी में इंसान की समझदारी होती है। डिपार्टमेंट में एनकाउंटर भी होता है, क्यों होता है? क्रिमिनल्स को कम करने के लिए, और मेरी पॉलिसी जानते हो क्या है? क्राइम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें वॉर्न किया था,
अब मैं तुम लोग एनकाउंटर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इस यूनिफॉर्म पर सिर्फ 2 एक्स्ट्रा स्टार बस। अभी तुम लोग ही गलती को समझ गए हो तो समझो मेरे यूनिफॉर्म को अब स्टार ही स्टार मिल गए हैं। क्रिमिनल्स तुमसे कोई सबक ले ऐसे जी कर बताओ। चलता हूं सर। ठीक है, नमस्कार। क्या सर, उनको मारकर अंदर डालने के बजाय ऐसे ही छोड़ दिया? इनके खिलाफ कोई सबूत है क्या? नहीं सर। फिर उन्हें अंदर डालने का क्या मतलब है? और वैसे भी हम लोग उन्हें सुधार तो नहीं पाए, और जब वो खुद ही सुधर गए हैं तो अच्छा होने दो ना उन्हें। याद रहे बंधु, अब तक उन लोगों ने जो जिंदगी जी है वो जिंदगी नहीं थी, लेकिन अब सुधरने के बाद ये लोग जो जिंदगी जिएंगे ना वही इनकी असली जिंदगी होगी। प्योर डायमंड नेकलेस। ये तो मैंने तुमसे नहीं पूछा। आपने तो पूछा नहीं था, आपके भाई मंडी रेड्डी ने अपनी पत्नी के लिए कहा था। बेचारा अभी तो रहा नहीं, इसलिए गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूँ। पलक, ये लो। Wow, what a design! I just love it. सिस्टर, आपको पसंद नहीं आया तो एक्सचेंज कर सकते हैं। पलक, अंदर जाओ। It's superb, thanks. अब बस ना? नहीं, मैं एक और काम से आया था। आपने देवा के एक आदमी को तो मरवा दिया। इस सिटी में इस तरह से सुपारी लेकर कत्ल करने वाले सब चले गए, ऐसा मीडिया कह रही है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। हे भगवान, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब? अगर कम ज्यादा कुछ हो गया सिटी में तो मैं अपनी पावर खो बैठूंगा, और अगर पावर चली गई तब तेरा क्या होगा? इसलिए मैं कह रहा हूँ 6 महीने तक कुछ मत करो, मैं उन सबका एनकाउंटर कर दूंगा, वो भगवान भी उन्हें नहीं बचा सकता। ए, आराम से लेकर चल, कहीं वो बच्चा गिर ना जाए। अरे ए, कौन है रे भाई तू? इस काम में नया हो क्या? हाँ नया हूँ, लेकिन कर तो रहा हूँ ना। तुम्हें साइकिल का पंक्चर निकालने को कहा तो पूरा रिम निकाल लिया, अभी उसमें क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कैसे करना है। पहले क्या करते थे? पहले हाथ पैर काटता था। उंगली कट गई। बराबर से मुर्गी काटने को नहीं आता, हाथ काट लिया। मैंने तुझे सेव करने के लिए कहा था, तूने मेरा गाल काट दिया। पहले हम लोग गला काटते थे, अब बाल काटते हैं, क्या करे, आदत से मजबूर है। इसका क्या करूं? मंजा, सब ऑर्डर लेकर आ गया ना? हाँ देवा, सारा ऑर्डर मिल गया है, बस अभी पहुँचाना बाकी है, बस अंदर रख के आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है, चलो खाना खाने के लिए। अरे रुक जाओ माँ, अभी बहुत सा काम बाकी है। सा तो खा लो। ये डिलीवरी करके आता हूँ फिर खा लूंगा। कैसा लड़का है तू, सुबह से बस काम ही काम कर रहा है। अरे माँ रुक जाओ ना, अभी वो काम कर रहा है तो उसको काम करने दो ना, इतने दिन तो खाली बैठा था, जब उसको भूख लग जाएगी तो खाना खा लेगा। बेटा मैंने सोचा था लड़का कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन तूने अपने सारे दोस्तों को एक एक नई दुकान डाल कर दी ताकि उनकी जिंदगी सुधर जाए। ये सब देखकर मुझे बहुत सुकून मिल गया है बेटा, अब इसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी करवा दे। अरे माँ, समय आने पर सारी चीजें सही होती हैं। ठीक है बेटा, तू जा अभी। तेरा जो बॉयफ्रेंड है वो किसी जरूरी काम से केरला गया हुआ है, वो आएगा तो उससे तेरी शादी करा दूंगा। अरे बेटी, तूने तो बोला था अच्छा काम मिलेगा तो चली जाऊंगी, काम मिल गया फिर भी तू इधर ही काम कर रही है, क्यों भला? मेरे लवर के आने तक मैं यहीं रहूंगी। अरे तेरे लवर के आकर ले जाने तक तो मैं तेरी शादी कर दूंगा और नाना भी बन जाऊंगा। अरे ये सब क्या है, डिलीवरी करने के लिए तुम लोग बाहर आउट ऑफ स्टॉक बॉटल को भेज रहे हो, ये सब क्या है? दीदी ये सब क्या है, सुबह से सिर्फ पानी भरने का काम कर रहे हो आप। मुझे और कोई काम भी तो नहीं है भैया। कम से कम कॉफी तो पिला सकती हो ना। हाँ ठीक है, लाती हूँ। भैया आपने तो मजाक मजाक में मुझे मेरे लवर की याद दिला दी, आपको पता है एक दिन क्या हुआ था? एक दिन ना बॉल खेत में चली गई थी, तो मैं और मेरा लवर दोनों उस बॉल को साथ में लेने चले गए थे, फिर मेरे पैरों में वहाँ कांटे चुभ गए थे, तो मेरे लवर ने उन कांटों को फूल की तरह एक एक करके निकाला और फिर उसने मेरे होठों को चूम लिया। मैंने सोचा था कि मैं जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं करूंगी, जब देवा ने मुझे बचाया तो मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ वही मेरा सच्चा प्यार है, और जब उसने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी तब तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगा।
लेकिन ये बात देवा को मैं ही बोलूंगी, आप मत बताना। लेकिन तुम तो अक्सर बोलती हो कि तुम्हें बचपन से किसी से प्यार है। अरे दीदी वो तो सब फेक था, वो तो मैं देवा को जलाने के लिए बोल रही थी। हकीकत तो ये है, देवा ही मेरी जिंदगी है, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। चल 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 चलो रे, प्यार की बारिश है, ऐसे में तुमसे दिल की गुजारिश है, जाओ ना तुम ऐसे दिल से दूर रे, ये दिल बिछाया मैंने तेरी ही राहों में, आजा तू बाहों में, छुप जा तू निगाहों में, ओ तेरे बिन अब जीना नहीं मुझे, तू ही तो है दिल की दुनिया रे, तू ही तो है दिल की दुनिया रे। आया क्या वो? नहीं आया बॉस। नहीं आया वो। नहीं बोला क्या? हाँ। ठीक है फिर हम ही जाते हैं वहाँ पे। हाँ? टाइगर को बुला लो। ठीक है बॉस। टाइगर को लेके आओ। बाहर आओ टाइगर। बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। आ जाओ, बाहर आ जाओ। बॉस, वो नहीं आ रहा है बॉस। हाँ? टाइगर नहीं उतर रहा है। यार इसका हमेशा यही रोना है यार। टाइगर क्या रे? टाइगर हम लोग ये सब करेंगे। आजा 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 मेरे छोटे छोटे आजा 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 आजा। पता है इसी की वजह से मैं वर्ल्ड फेमस हो गया हूँ। बॉस अब ये भी फेमस है क्या बॉस? जिस गुंडे को पेट नेम होता है वही फेमस हो जाता है। पकड़ो इसे, फॉलो मी। यही है क्या? हेलो, कहिए सर। क्या वो तुम हो जिसने मेरे बुलाने पर नहीं आऊंगा बोल दिया? हाँ बोला, क्या कर लोगे? कह दिया। अरे छोड़ ना, तुम ना बोला तो मैं आया ना यहाँ पे। चल पैसा निकाल जल्दी से,
निकल रे। मेरी जेब में हाथ डाल के पैसे निकालता है, मुझे क्या उल्लू समझा है क्या? मेरे से खिलवाड़ मत कर, टाइम दे के उठा लूंगा। मैं जब सीरियस बात कर रहा हूँ तो बीच में कॉमेडी मत कर। ऑर्डर देने से पहले ही टाइगर अटैक कर चुका है बॉस। ये टाइगर को साथ रखा, ये मेरी गलती है। जब भी काम की बात करने लगता हूँ मेरे पैर पे पेशाब कर देता है। मुझे अच्छी तरह पता है तुमसे कैसे वसूली करनी है। मार दे डंडा। मेरे सर पे क्यों मारा? आप ही ने तो बोला था ना बॉस। ए, मारने से पहले देखना कि दुकान मेरी है या उसकी। अर्जेंट में गलती हो गई बॉस। काट दूंगा, अभी काट दूंगा तेरे को। चल जल्दी से पैसे निकाल, पैसे निकाल। चल चल चल। ए, पहले वस्त्र ठीक से पकड़ने को सीख। कोई बात नहीं, अब सीधा पकड़ा। अभी भी नहीं फाड़ पाएगा। ए, क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं पूरे बैंगलोर सिटी को गड़गड़ हिला देने वाला लेटेस्ट गुंडा हूँ। खलनायक बोलते हैं मुझे। खलनायक? सर आप अपना नाम 3 बार रिपीट करेंगे प्लीज? रिपीट क्यों? प्लीज बोलिए ना। खलनायक, खलनायक, खलनायक। भैया तुम्हारी बहन की लड़कियाँ हैं क्या? वैसे तो बहुत है लेकिन सब डिब्बा पीस है, लेकिन तुम उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अरे सर, करेला, पिस्ता, बादाम, पापलेट, मच्छी की तरह फिगर वाली लड़कियाँ, सुंदर सुंदर लड़कियाँ आपका इंतजार कर रही है सर। आप बस सिर्फ वहाँ पर जाइए और देख लीजिए कि कैसी कैसी लड़कियाँ आपका इंतजार कर रही है सर। अब सराव जैसी लड़कियाँ मेरा इंतजार कर रही है। हाँ सर बिल्कुल। सच बोल रहे हो ना राजा? सर आप बस एक बार वहाँ पर चले जाइए, वो सुंदर सुंदर लड़कियाँ आपको किस तरह से खींच लेती है मैं आपको बोलता हूँ। बस बस, आपकी बहन की लड़कियाँ इतनी सुंदर है पहले बताया नहीं। मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? वहाँ पर गया, वहाँ पर गया। ये लीजिए कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, आप लोग सुस्त हो गए होंगे, मैं चलता हूँ। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो चलो। बस क्या हुआ? बातें खाली बहुत हो गई। अरे कैटरीना से शादी करके ही तो मुझे मेरा घर बसाना है। लेकिन देखना, जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिली तो जो हमें ढूंढ रही है उसको पकड़ लेना चाहिए। कैटरीना नहीं तो क्या हुआ? विपाशा। और विपाशा नहीं मिली तो तेरा मर्डर। अब जब इसका लवर दिखेगा तो उसे ये भगवान के रूप में दिखेगी। देखा क्या? देखा क्या? हेलो हेलो हेलो, बिना देखे कैसे बताऊं कि वो कैसी है? ओनली वॉइस लिसनिंग से क्या होगा? यस बॉस। वो ऐसी रोज तुम्हारी यादों में गाना गुनगुनाया करती है। सच में? मेरी माँ की कसम। मेरी माँ की कसम। समझा। अरे जिसकी आवाज इतनी सुरीली है वो दिखने में कैसी होगी? सुंदर अप्सरा जैसी। भाई साहब ए मुझे मिला दो ना। इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, वो खुद यहाँ पर चलकर आएगी और आपको देखेगी, यही होगा आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज। उम्र में तुमसे छोटी होगी ना? 18 हो चुकी है पूरी। तुम्हें देखकर मैं बता सकता हूँ प्यार के मामले में तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है। बॉस लड़की की खाली बातें हो रही है। कलर थोड़ा लाइट डिम है, मैं एडजस्ट कर लूंगा ना। तुम एक काम करना, अंदर जाकर खाली तुम उसे बाहर लेके आना। बैक पोज में मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ। दिव्या बॉस, आप राइट टर्न देखो, मैं फ्रंट देखता हूँ। रंगीला तेरा लवर आ गया है। कौन सा लवर? तेरे सपनों का राजकुमार आखिरकार आ ही गया है और आकर शक्तिमान सुपरमैन की तरह पोज लेकर बाहर खड़ा है। मेरा लवर? वो कहाँ से आया? अरे चलो ना। अब ये कौन है? बड़े भाई। हाँ? बचपन से आप लोग प्यार करते हो लेकिन जवानी में आपका मिलाप हो रहा है। लड़की मेरे बगल में खड़ी है, आप बस एक बार मस्त लुक लेकर टर्न हो जाइए। ये लो। हेलो मिस्टर, ये क्या है? तुमने तो मुझे कहा था कि ये देखते ही किस करेगी, ये तो देखते ही बेहोश हो गई है। बॉस आपके भयानक शक्ल देख के बेहोश हो गई। अरे टेंशन मत लो बॉस, ये आपको देखकर खुश होकर शॉक में ऐसे गिर गई होगी। इतना अच्छा लुक देखकर भी लोग शॉक हो जाते हैं? हेलो, आप सब लोग मिलकर मेरे साथ कॉमेडी तो नहीं कर रहे हो ना? चुप रहो बॉस, सीरियस आदमी को लेकर कोई कॉमेडी करता है क्या? दिव्या, 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 पहले इस भूत को बाहर भेजो, बाहर भेजो। भूत क्या? हेलो मिस्टर, इसके लिए फरिश्ता बनकर मैं खड़ा हूँ, ये मुझे भूत बोल रही है? व्हाट इज दिस? ऐसे नहीं चलेगा। भैया इस भूत को हटाओ, उसे देखकर ये बेहोश हो गई। हटाओ इसे। अरे मुझे माफ कर दीजिए बॉस। तुम्हें कैसे माफ करूं मैं? हेलो, मुझे अभी पता चलना चाहिए ये मुझसे प्यार करती है या नहीं करती। अरे यार, हर दिन तुम्हारे बारे में बात करने वाली लड़की आज तुम्हें देखकर बेहोश क्यों हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा आप जब छोटे थे तो कैसे लगते थे? बिल्कुल गोल बटोल, गोरा चिट्टा था मैं। क्या गोरा चिट्टे थे? अभी कौन सा फर्क पड़ा है? और अब ऐसे कैसे हो गया? नहीं,
खाना वाना खा के मोटा हो गया हूँ बस। ऐसा क्या? उसका क्या है, थोड़ा सा वो बचपन से मटन मच्छी खा के ना थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है ना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। कैसी गलती? वो तुम्हें पसंद करे, अगर ऐसा तुम चाहते हो तो उसके हिसाब से अपनी बॉडी को रिड्यूस कर लो। अगर मैंने रिड्यूस किया तो दिव्या मुझसे प्यार करेगी ना? अरे जाओ ना यार। क्या हुआ? आपके मुंह से कितनी बात आ रही है, कितने दिन हो गए दांत घिसके? ज्यादा नहीं। हाँ तो कितने? कम से कम 6 महीने हो गए। 6 महीने से? अरे बगैर मुंह धोए तू इतना घूम रहा है, लड़की इतनी दूर से देखी तो तुझे बेहोश हो गई, अगर करीब से देखती तो सोच उसकी क्या हालत हो जाती थी। चल अब पतली गली से निकल जा जल्दी। तो मुझे क्या करना चाहिए? दांत घसो, मस्त बाल बनाओ, पाउडर शाउडर लगाओ, स्मार्ट बनो यार। ओके, आज के बाद 3 बार मुंह धोऊंगा और 6 बार नहाऊंगा। मेरी लव स्टोरी स्टार्ट हो रही है। ये प्लान मेरे लिए करना है। हमारी जिंदगी कितनी अच्छी चल रही थी ना देवा, अगर वो राक्षस हमारी लाइफ में नहीं आया होता तो। अरे अरे अरे, अरे दिखता नहीं क्या तेरे को? मुंह क्या देख रहा है हरामी कहीं का? नीचे उधर। अरे आगे देखकर गाड़ी चलाया करो यार, मेरे रिक्शे की लाइट टूट गई और तू ग्लास उतार कर देख रहा है। क्या बोला? हाँ हाँ बोल। सर मुंह क्या देख रहा है, नीचे उतर। इससे पहले क्या बोला? नीचे उतर हरामी। सर मुझसे गलती हो गई। सर माँ बहन की गाली देने वाला सिर्फ पुलिस है और मैं इस पूरे शहर का एसपी हूँ, एसपी धनुष। ए, मैं जो बोलूं वही फाइनल। आप लोग जो करोगे चुपचाप सहना पड़ेगा। यस। अंकल, देवा अंकल किधर है? क्यों, किस लिए? वो मंजा अंकल की बहन पद्मा ने ये लेटर देवा अंकल को देने को कहा है। वो सूटकेस रखा है ना, उसी में रख दे। टिक 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 डार्लिंग डार्लिंग इफ यू कम टुडे इट्स टू हर डे। बस। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अंकल मुझसे थैला उठ नहीं रहा है। क्या थैला उठ नहीं रहा है? उधर ही पड़ा रहने दो ना, अभी मुझे देखना। वो थैला नहीं, ये थैला। कौन सा भी हो, है तो थैला ही ना। वाह अंकल, क्या बड़ा थैला आपने एक हाथ से उठाकर फेंक दिया। ये जिम की बॉडी है, देख लो। ये अंकल ये? ऐसे नहीं रे, अच्छा, पकड़ो तो। ज्यादा मत करिया। कैसा है? सिक्स पैक है, देख। दिखाओ। अभी पंच मार के देख। वाह अंकल, ये तो फौलाद जैसा है। मेरी पूरी बॉडी फौलाद है, फौलाद। छोटे बच्चे से क्या मरवाते हो? देवांग से मार खा कर दिखाओ ना। ये बच्चे तो मुझे उकसा रहे हैं। निकल ले। हेलो मिस्टर, जरा इधर आना। फिर से शुरू हो गया। अरे तुम्हें ही बुलाया, सुना नहीं क्या? आजा यहाँ आके सीधे खड़े रहना। क्या हो गया भाई? ये मेरे पेट में पंच मार के दिखा। क्या भाई, आप भी थोड़ा चुप रहना सीखो ना। हेलो, मार बोला तो मारने का, टाइल में तेरा पंच मार पंच। क्या भाई तुम मजाक कर रहे हो क्या, चुप रहो ना। हेलो, डर गया क्या? हाथ टूट जाएगा तुम्हारा, अगर डॉक्टर के पास जाना पड़ा ना तो खर्चा मैं उठाऊंगा। चल 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 ये भाई। हाँ। मैंने मारा मारी करना छोड़ दिया है, अब जान दो ना। अरे छोड़ दिया है तो क्या हुआ, एक पंच ही तो मारना है। मार मार, एक लाइट पंच मार, मार मार। क्या यार तुम भी छोटे बच्चे की तरह जिद पे अड़े हुए हो। हेलो, बच्चा समझ के रखा है क्या, लाइट टच कर रहा है। अब एक कड़क पंच मार, मार मार। काम करने की जगह पर तुम्हें ये सब चाहिए क्या? देख मुझे चाहिए तो चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँ, समझ गया? अरे तेरे को पेट में मारने के लिए बोला, तूने तो यूरिन टंकी फोड़ दिया। हाथ या हथौड़ा, चल। मैं बोला था आप सुनी नहीं रहे हो। जाना। ये शादी करवाने वाला है, ये बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में हफ्ता लेता है, 10,000 रुपए महीना हमारे को देता है। ये शिव शंकर 5 टैंकर 5,000 रुपए देता है। ब्लेड भास्कर पॉकेट मारी करता है, 2,000 रुपए हमें देता है।
ये जयश्री आंटी मार्केट में तीन पत्ती का अड्डा चलाती है, सिर्फ 12,000 रुपए महीना देती है। नमस्कार देवी, 5 रुपया या 10 रुपया टोटल बोल रहे? वो तो 1.25 या 1.5 होगा सर। ए, चलो चलो जाओ, सिटी सेंटर पुलिस स्टेशन में जाने से 1 महीने में करोड़पति बनेगा ऐसा कहा था उसने। यहाँ देखो तो सारे के सारे चिल्लर है। सर, हम जैसा सोच रहे थे वैसा ही होता सर, लेकिन देवा की वजह से सब गड़बड़ हो गई। देवा? हाँ सर, उसे देवा बोलते हैं पर देवरू नाम है उसका। क्यों अब वो नहीं है? अब वो सुधर गया है सर। ओ, सुधर गया? अरे राक्षस कभी भगवान नहीं बन सकता, लेकिन भगवान राक्षस बन सकता है। बुलाओ उसे। सर वो बुलाओ, इस्त्री ठीक से मारा करो यार। अरे नहीं सर। देवा, अर्जेंट इस्त्री करवा रहा है, वो जरा कुछ काम से मुझे बाहर जाना है, जरूरी बात करनी है। अरे पानी जल्दी गर्म करो, मेरा टाइम हो रहा है। पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हें पता भी नहीं। तुमसे तो अपने दिल की बात कह ही नहीं पा रही तो तुम्हारी शर्ट को बता रही हूँ। मेरी शर्ट पहन के मुझे बोल रही है? अरे तुम तो मेरी जान हो। देखो अब तुम जॉम्बी से मेरे पास आकर मुझे आई लव यू बोल दो। जरूर। और फिर हम शादी करके पूरे 10 बच्चे पैदा करेंगे। क्या 10? लेकिन उन 10 में से एक बच्चा तो मुझ जैसा स्मार्ट होना चाहिए। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो फिर मुझसे कह क्यों नहीं देते? अभी बोल देता हूँ, तुम तो मेरी जान हो। वैसे तो तुम अच्छे हो, लेकिन तुम्हारा सनकी दिमाग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुमने देखा मेरी जान? ए, तुमने तो मेरा सिर्फ शर्ट पहना है, लेकिन मैंने ऊपर से नीचे तक तुम्हारा सलवार कुर्ता सब कुछ पहन के तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अब बताओ मेरी जान, मेरी खूबसूरती कैसे लग रही है तुम्हें? अरे यार, मुझे देखकर हमेशा गिर क्यों जाती हो तुम? सोना मेरी जान, उठो ना, उठो, आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो जान। अरे यार, तुम मुझे देखते ही डर क्यों जाती हो? क्या किया है मैंने तुम्हें? मेरा ड्रेस पहनने की हिम्मत कैसे हुई? उतारो इसे। कैसे दूं? अगर मैंने ये ड्रेस निकाल के दिया तो पहन के तुम मुझे चाहोगी? नहीं, पेट्रोल डालकर जला दूंगी। हमेशा उल्टी बात क्यों करती हो? बताओ तो क्यों हर्ट करती हो मेरी मैंने प्यारी? कहा ना तुम मुझे पसंद नहीं। पसंद नहीं हो तो क्यों पसंद नहीं हूँ? अभी पसंद नहीं हो तो पहले क्यों पसंद करती थी मुझे तुम? मैंने ऐसा कब कहा? हाँ, जब तुम 3 की थी और मैं 6 साल का था, तुम 3 साल की थी। एक ही बात है, आगे बोलो। तब तुम मुझे अक्सर कहा करती थी मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, दे दो ना। तुम मेरे पास आकर बोलती थी मुझे आइसक्रीम दिला दो ना, मुझे आइसक्रीम दिला दो ना, और मेरा हाथ पकड़ के मेरे पीछे घूमती रहती थी, और आधा आइसक्रीम खाने के बाद आधा आइसक्रीम मेरे मुंह में डाल के चली जाती थी, और तुम्हारा दिया हुआ आधा आइसक्रीम जब मैं चाट चाट के धीरे धीरे से प्यार से खाता था तो उसकी टेस्ट दुगनी हो जाती थी, और तुम आइसक्रीम खाकर वो कांडी फेंकती थी ना, वो कांडी मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता था, बाजार में, मेले में, कितना दुख सहा है मैंने। वो दुख क्या होता है सिर्फ मैं जानता हूँ। मैंने आज तक वो दुख किसी को नहीं बताया दिव्या, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने सब कुछ बोल दूंगा। ये सब लोग कहाँ गायब हो गए? लगता है मेरी कहानी सुनने जितने लकी नहीं है, बैड पीपल। पद्मा, पद्मा ये क्या कर लिया तुझे? ये क्या कर लिया बेटा तुझे? पद्मा उठना, ये क्या कर लिया? कैसे हो गया ये? अरे बेटा, देवा देवा देखना देखना इसने क्या कर दिया। देवा इसको बोलना बात कर मेरे साथ। देवा ये किसी से प्यार करती थी ना, मंजा ने उसके बारे में पूछा तो इसने गुस्से में आकर जहर खा लिया। इतनी सी बात के लिए जान दे दी इसने। बोलना बेटा कमीने, तुझे तो कुत्ते की तरह मारना चाहिए। साले क्या समझता है, क्या समझता है अपने आप को? उसकी जिंदगी खराब करके तुझे क्या मिला बोल? इंसान की जिंदगी को तूने बलून समझ के रखा है जो हवा भरा छोड़ दिया। बोल भाई, मैं उसे खोलना नहीं चाहता था, मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस 2-3 बार नहीं मिल पाया इसलिए मुझसे नाराज हो गई। भाई मैंने उसे बताया था कि मेरे घर में एक जवान बहन है, उसकी शादी के बाद ही हम शादी कर पाएंगे। मैं सब कुछ सेटलमेंट करने में लगा हुआ था भाई, और पता चला कि उसने आत्महत्या कर ली। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो भाई। भाई ए, किसी औरत के साथ प्यार करके उसको धोखा देना मर्दान की नहीं होती। चल अब निकल यहाँ से, चल निकल। जी निकल। जी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इनकी माँ बहन ही ना हो। हेलो, पता है क्या हुआ?
जब मैं मार्केट से सामान लेके आ रही थी तो चाय की दुकान पर कुछ टपोरी लोग लड़कियों को छेड़ रहे थे। तुम चलकर उनकी मदद करो ना। देखो, हम लोग उस सारे काम से काफी दूर आ चुके हैं। छोटे मोटे प्रॉब्लम लेकर मेरे पास मत आना। यही छोटे मोटे मैटर बाद में जाकर बड़े बन जाते हैं, इसलिए जाकर अपना काम करो जाओ। अरे औरतों जैसी बात मत कर। ये राणा को बोलेगा ना तो 10-10 आदमियों को खड़ा करके एक साथ पीट दूंगा, और तू वो छेड़ने वालों की बात कर रहा है? मुझे बता के तो देखना जरा, शुरू हो गया औरतों जैसी बात करने। ए, तू इसका लवर है ना? तो जा उसके साथ जाके तू फाइट कर ले। मतलब तुम नहीं आओगे? अरे मैं क्यों जाऊं? ये एवरग्रीन राउडी राणा की गर्लफ्रेंड को किसने हाथ भी लगाया तो आज दुनिया देखेगी कि मैं उसका क्या हाल कर दूंगा। डार्लिंग, तुमने तुम्हारे आशिक की फाइटिंग नहीं देखी ना, आज देखना। सॉरी, कम ऑन। कौन है भाई ये कार्टून? मालूम नहीं यार। भाई एक बिस्लेरी का बोतल देना। क्या रे, ये धूप में बिस्लेरी मांग रहा है? पता नहीं यार, पागल लगता है। क्या रे ये खांस रहा है? सिर्फ खांसता नहीं हूँ, बजाता भी हूँ। किसको बजाएगा तू? इसकी खबर कल न्यूज़पेपर में देखना। क्या रे, तू बजाने की बात कर रहा है? तू कहीं का फंटर है क्या? हाँ तो, बहुत बड़ा फंटर हूँ और इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तुम में से किसी ने मेरी डार्लिंग को छेड़ा है? ए, क्या बक रहा बे? वो देख, देवा रहा है। हाँ, देवा को रहने दो। ए, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता कि मेरी डार्लिंग को कोई बुरी नजर से देखे। मानता हूँ कि दूर से मैं कुत्ते की तरह दिखता हूँ, लेकिन नजदीक से टाइगर। ए, क्या तू लड़की को डरा था? तेरे मुंह से आने वाली बदबू से लड़की बेहोश हो गई। ऐसे प्यार करता है क्या कोई लड़की से? नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ प्यार से देखा था। ये हमेशा गिर क्यों जाती है? अरे यार, अब कौन है? अरे पुलिस आई। पुलिस? तुम लोग को पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बैठो जीप में। सर मैं भी। ए, सर, तू किधर आ रहा है? सर मुझे भी थाना जाना है सर। अरे रुक जा, बोल रहा हूँ ना, रुक जा। मैं भी गुंडा हूँ सर। गुंडा है तू? इस एरिया में तो पहले कभी देखा नहीं। सर मैं वो लेटेस्ट गुंडा हूँ सर। तेरे पास कोई सबूत है क्या? अरे यार, उसके लिए भी सबूत चाहिए क्या? इतने देर से झगड़ रहा था इधर। बजा मेरा माथा मत का, जा यहाँ से। सर मैं भी गुंडा हूँ, ये इस एरिया में अनाउंस कर चुका हूँ मैं। आप अगर मुझे नहीं लेते हो तो मेरा वैल्यू कम हो जाएगा। गुंडों की लिस्ट में नहीं है, बोला ना तू जाएगा। कसम मैं गुंडा हूँ सर। मैंने कहा ना तू लिस्ट में नहीं है। गुंडा हूँ, बोल रहा हूँ मैं गुंडा हूँ तो। क्या कर रहा है यार, लेके जा। कहाँ से मिला यार, लेके जा। अरे यार, अगर मैं सामने से बोल रहा हूँ गुंडा हूँ तो मैं गुंडा हूँ। सुनो ए गांव वालों, मैं गुंडा हूँ और मैं जेल जा रहा हूँ। मैं जेल जा रहा हूँ। मैं डॉन हूँ। सर देवा भी आ रहा है। अच्छा, ये कौन है? पता नहीं सर, मैं भी गुंडा हूँ कहके जीप में जबरदस्ती बैठ गया। हाफ मेंटल होगा, इसको बाहर भेज। हेलो, इतना बड़ा डॉन होने के बावजूद मैं ये जीप में बैठकर आया हूँ। इसी बस है क्या? जो देखा और चढ़ गया, और एक बार भी मुझे मारा ना तो क्या कर ले? ये राणा मर्डर कर देगा। ये कौन है राणा? देखा नहीं क्या, मैं हूँ। अरे जुबान से तो तू इतनी लंबी लंबी छोड़ रहा है, और पाँव से देखो तो ब्रेक डांस कर रहा है। बिल्डिंग स्ट्रांग है, खाली बेस वीक है। इसे गोरिल्ला के सेल में डाल दो, तभी मालूम पड़ेगा कि स्ट्रांग क्या है और वीक क्या है। गोरिल्ला के सेल में? अच्छा, चल चल। धक्का मत दे, बाहर आऊंगा तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कौन है ये? अरे बाप रे। ए, देखता क्या है? चबा लूंगा तेरे को भी, याद रखना। ए, शेर को चुनौती दे रहा है तू? शर्ट क्यों निकाल रहा है तू? आ जा। पैंट क्यों उतार रहा है? अंडरवेयर। आ जा। ये जिस तरह से मुझे बुला रहा है, रेप की गारंटी है। पागल कुत्ता कहीं का। आजा, क्या? अरे बचो बचो बचो। साहब ये देखो तो, कपड़ा खोल के खड़ा है। इसीलिए तो तेरे को उसके साथ अंदर डाला। सर देवा आ गया। नमस्ते सर। आओ बैठो। नहीं मैं ठीक हूँ। अरे तुम यहाँ कैदी बनकर नहीं आए हो, गेस्ट बनकर आए हो। आओ बैठो। जी सर। और फिर? नहीं कुछ नहीं सर। बहुत सुना है तेरे बारे में, तुमने बहुत कुछ किया और अभी सब कुछ छोड़ के
वाल्या से वाल्मीकि बन गया। टी कॉफी? नो सर थैंक्स। टू कोल्ड ड्रिंक्स? यस सर। ये गलत है ना देवा, जब तेरा एक फ्रेंड मर गया तो तूने हथियार छोड़ दिया। अगर तेरी सच्ची दोस्ती होती ना तो तू उन सबको काट कर फेंक देता। यही है खलनायक की जिंदगी। अब सुन देवा, जब तूने भाई गिरी का कफन पहन ही लिया है तो तेरे मरते दम तक उनको तेरे से डरना चाहिए। अभी तो तूने सब छोड़ दिया, पर तेरे माथे पर जो दाग लगा है वो मिटा क्या? नहीं मिटा। वैसे भी इस समाज में गुंडे बदमाशों के लिए गुंडागिरी के सिवा कोई जगह नहीं है, लेकिन इनकम समझ में नहीं आया। इसलिए तू अपना पहले वाला धंधा फिर से तू स्टार्ट कर ले। नहीं सर, मैं जैसा हूं बहुत खुश हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तू ऐसा बोलेगा तो मेरा क्या होगा? मुझे पैसा चाहिए, वो तो मुझे मत दे। जो लोग काम करवाएंगे ना, मैं उनसे वसूली कर लूंगा। जब कोई कुछ भी डील करेगा तो मुझे खबर कर देना, समझा? उस एमएलए का पूरा एरिया तेरा, बगैर यूनिफॉर्म के तेरी इस बॉडी को, बगैर चक्के के तेरी इस गाड़ी को सलूट करता हूं मैं। क्या बोलता है? ये सब मुझसे होने वाला काम नहीं है सर, कोई दूसरा काम हो तो मैं जरूर करूंगा। देवा, मैं तेरे से पूछ रहा हूं, तुझे लाइफ में एक अच्छा लेबल कर जीना चाहिए, पर अच्छा होकर नहीं। ये सब काम करना मैंने छोड़ दिया है सर, ऐसे काम के लिए किसी दूसरे को बुलाइए। ए, तेरे जैसे लोग अगर सुधर जाएंगे तो हम लोग इधर इस पुलिस स्टेशन में क्या भजन कीर्तन करेंगे? ए सुन रे, अगर तेरा गुंडागिरी करने का मीटर ऑफ हो गया है तो तू जाकर दलाली का काम कर, सुपर अच्छी खासी चार लड़कियों को रख ले, खूब पैसा कमाएगा। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर, लेकिन आपको देख के लगता है कि आपको बहुत एक्सपीरियंस है इसमें। आप जरा एक काम कीजिए ना, अपनी औरत को धंधे पे बिठा दीजिए, बहुत पैसा कमाओगे। ए! मैंने सिर्फ अपनी गुंडागर्दी छोड़ी है, लेकिन मेरे अंदर गट्स और जुनून वही है और मरने तक भी वही रहेगा। सर कोल्ड ड्रिंक्स। मैंने रेड कलर का ड्रेस पहना है, इसलिए तुमने भी रेड कलर की ड्रेस पहनी है ना? ज्यादा बोला ना तो कचूमर बना दूंगी। साइड से देखने से थोड़ी कैटरीना कैफ जैसी लगती है तुम। तुमने जो आइडिया दिया था उसकी वजह से कंपनी चल पड़ी है। अब हम सबने मिलकर एक बार डिसाइड की है कि हम तुम्हें गिफ्ट देंगे। उसे क्यों गिफ्ट दे रही हो? उसके लिए तो मैं काफी हूँ। एक काम करो, मुझे पैक करके उसे दे दो। मस्ती मजाक बाद में, पहले हम सब मिलकर इसको बैंगल्स दे देते हैं। नहीं, इसको बैंगल नहीं देते हैं, पहले हम इसको चेन दिला देते हैं। जिसके दिल में जो होगा वे चिट्ठी में लिखकर एक डब्बे में डाल देंगे, फिर चिट्ठी में जो आएगा वो उसे दे देंगे। हाँ ठीक है। चिट्ठी निकालो बेटा। निकाल बेटा। हाय डार्लिंग, मेरा नाम डाला है ना? पूरा बैंगलोर घूमना पसंद है। अगर किसी को बैंगलोर घूमना है तो वो मुझे बताए। बोलो डार्लिंग, तुम्हें कार में घूमना है या ऑटो में घूमना है या बाइक में घूमना है या वर्ल्ड फैशन बैल की गाड़ी में घूमना है? अगर तुम चाहो तो गोद में उठा के घुमा दूं। सॉरी डार्लिंग। किस कर रही हो? कमॉन कमॉन कमॉन। किस और तुझे? भाई साहब एक बात बताना, आप कहते हो ये मुझसे प्यार करती है, उसे देखो तो वो दूर भागती है, व्हाट इज दिस? तू अगर पी के आएगा तो किसी के ऊपर गिर जाएगी। किसके ऊपर? मुझे क्या पता। हेलो, और किसी के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर गिरनी चाहिए। सुनो, आज शुक्रवार है, तुम मंदिर नहीं चलोगे? पहले मैं गलतियाँ करता था तो मंदिर जाता था, अभी मैं गलतियाँ नहीं करता तो मंदिर में क्यों जाऊँ? ऐसे ही समय बर्बाद करो क्या? मेरे पीछे बहुत सारे काम है। तुम्हें फिर भी जाना चाहिए। किस लिए? मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रही थी, अगर मंदिर चलोगे तो वहाँ पर जाने से थोड़ी हिम्मत आ जाएगी, चलोगे ना? अरे यार, हम दोनों घूमने जा रहे हैं तो तुम्हारे लवर का दिल जल जाएगा। घूमने तो नहीं गए, कम से कम उसके साथ मंदिर तो चली जाओ। तुम बकवास मत करो, वो मेरा लवर नहीं है। ए, तू क्या पागल वागल हो गई है क्या? एक एक घंटे में अपना डिसीजन चेंज कर दिया। उस दिन तो तुमने बताया था कि मेरा लवर नायराणा 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 तीन बार गर्दन हिलाकर बताया था। हाँ हाँ, मैं नारायण कहा था, लेकिन ये तो कुत्ते जैसा दिखता है। नायर को कुत्ता बना दिया। सड़क का एक कुत्ता रोड पर पड़े कचरे को ही खा सकता है, वो अच्छे घर का खाना खाना चाहेगा तो मिलेगा क्या? मेरे दादा की बात ये फिर से बोल रही है। अरे भाई,
आप इधर ही खड़े हो क्या? गलती हो गई भाई, आपके बारे में ये लड़की पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, मुझे क्या क्या सुना रही थी। चुप, मेरे बारे में उसने बहुत डिसेंटली बोला है, और एक तुम हो कि जो ऑडियंस को बात का बतंगड़ करके बता रहे हो। ए सब लोग, ए सब लोग इधर आओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ए तुम भी आ जाओ, सुनो सुनो, आ जाओ मेरी बात सुनो, इधर आओ। एक बैड फीलिंग की वजह से मैं ये एरिया छोड़कर जा रहा हूँ। आप लोग खुश हो गए, ठीक है ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक स्मॉल कहानी बता के जाता हूँ। अरे अरे रुको, अरे अरे रुको, आज सुनना पड़ेगा सबको। दिव्या, तुम हमेशा किसी को याद करके उसकी फीलिंग में अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी यादों में अपनी लाइफ सेटल करने जा रहा हूँ। ठीक है, बाय 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 बाय। सब हिंदी दर्शकों सुनिए, एक गांव खेड़े से आया हुआ कैटरीना कैफ की यादों को अपने दिल में बसाने का सपना लेके एक एक्टर आज गांव वापस जा रहा है। उसका ये सपना सपना ही रह गया। बॉस, ए अब क्या बचा है? मेरी जिंदगी को तो बर्बाद करके रख दिया, सोने जैसी जिंदगी बिता रहा था गांव में मैं। चलता हूँ रे, ए चलता हूँ मैं। दिव्या, तुम क्या कहना चाहती थी जल्दी बताओ ना, मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही है। इतना समय लगाओगी तो मुझे शायद घर पे वापस जाना पड़ेगा। क्या? अगर मैं चला जाऊंगा तो मुझे बाद में वापस कुछ बोलना मत, प्लीज यार जल्दी बोलो ना क्या है। वो ना देवा, वो गोविंद स्वामी का केस वापस रीओपन हुआ है, और वो थाने का नया एसीपी धनुष अपने एक दोस्त को रिमांड में लिया है। बोल जल्दी बोल, गोविंद स्वामी का खून किसने किया था? बोल। वार्निंग को सीरियस में लेके अप्रूव हो जा। बताता हूँ। हाँ बोल बोल। रामी रेड्डी ने डील की थी, देवा ने उसे मार दिया, मुझे जाने दो। देवा, सब जगह चेक करो, कोई जगह नहीं खोना, सब जगह छान मारो, अच्छे से चेक करो। कहाँ ले जा रहे हो सब? अरे साहब सुनो, क्या क्या मैंने सर, देवा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। क्या तुझे मालूम नहीं? आई बोल, नहीं मालूम सर। वो कह रहा है उसे मालूम नहीं तो मार रहे हो। मालूम नहीं है इसलिए मार रहा हूँ। वो कहीं भी छुपा हो मैं उसको ढूंढ के बाहर निकालूंगा। इस बाजार को तोड़ फोड़ कर दो और वांटेड फोटो बना के पूरे गांव में चिपका दो। मैं भी देखता हूँ वो कहाँ जाता है। हम सब लोग गांव छोड़ देते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो, हम लोग डर गए हैं क्या? ए डर कर नहीं यार, सेफ्टी के लिए। ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फिर हम वापस आकर बच जाएंगे। हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते देवा। ए हम लोग परमानेंट रहने जा रहे हैं क्या? मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो, आज रात को हम लोग ये गाँव छोड़कर चले जाएंगे, यही सबके लिए अच्छा भी है। दिव्या, ये पैसे लो और शहर के किसी भी कोने में जाकर अपने आप को सेटल कर लो। शेखर भाई, हाँ देवा, तुम भी किसी अच्छी जगह सेटल हो जाओ, ठीक है? दीदी को भी कर लेना। ए मंजा, तू इधर आ, माँ का ठीक से ध्यान रखना। ठीक है भाई, जरा होशियारी से। जी
तू भी कहीं जाना चाहती है तो बोल दे, मैं छोड़ दूंगा। मैं नहीं जानती मुझे कहां जाना है। तुम कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन बोली नहीं। इतनी टेंशन में भी तुम्हें वो बात याद है? याद है तभी तो मुझे इसलिए इतना टेंशन हो रहा है। हाँ। क्या ब्लैक बॉय, तुम लोगों के कच्चा पार्टी देने के लिए पूरा गांव जमा किया और तुम लोग मिल ही नहीं रहे हो, चलेंगे? तू आता है या तेरे को खींच के ले जाऊं? मैं ही आता हूं। बाबा बाबा बाबा, बस बस, पुराने केसेस निकाल कर तेरे को यहाँ तक लेकर आया। और कितना केस पेंडिंग है? आईपीसी 364 शांतिलाल की बेटी का किडनैप, आईपीसी 302 काजी प्रकाश का मर्डर, आईपीसी 445 काउंसिलर वीरा के घर में घुसकर दंगा किया, आईपीसी 506 बिल्डर जगन्नाथ का खून करूंगा ऐसा कहा था, और ऐसे ही कई केसेस अपने ऊपर लेके भागना चाहता है क्या? मैं तुझे भागने नहीं दूंगा। इस काम पर लगने के लिए मैंने कितना पैसा भरा था, फिर तो वो पैसा वसूल होना ही चाहिए ना। मैं तो प्रॉफिट करके रिकॉर्ड बनाना चाहता था। ए, तू मेरे ही सामने खड़ा होकर मेरी बीवी के बारे में उल्टा सीधा बोला, मैं उस बात को भी माफ कर दूंगा। फिर से तू एक बार अपनी गुंडागिरी चालू कर दे, मैं नहीं मानूंगा। नहीं करेगा तो इसी तरह मार खाएगा। गुंडागिरी चालू करनी पड़ेगी, समझा? सर, इसको ढूंढते हुए कोई लड़की आई है। कौन है बेटी तू? क्या बात है बोल। जो खुद को सुधारना चाहता है, आपने तो उसे ही अरेस्ट कर लिया है सर, क्या ये इंसाफ है? वो सब छोड़, तू कौन है? इसकी औरत है क्या? गले में मंगलसूत्र भी नहीं है। आइटम है? छी, बकवास मत करो। तुम जैसों की वजह से ही पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है, उसे इज्जत के साथ छोड़ दो। नहीं छोड़ा तो ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन में जाकर फाइट करूंगी मैं। कमिश्नर से लेकर गवर्नर तक कंप्लेंट करूंगी, मीडिया को सामने बुलाकर तुम्हारा भांडा फोड़ूंगी। अरे किसको लेके आया? सर, शोभा लॉज से पकड़ी गई है, ये सारी की सारी धंधा कर रही थी सर। नाम क्या है? ललिता। सुजाता। सर छोड़ दीजिए सर, ये लोग हमारे ही लोग हैं, पुलिस वालों को मालूम नहीं था इसलिए पकड़ कर ले आए हैं। अब मालूम पड़ गया तो आपको जो चाहिए लेके छोड़ दीजिए ना सर। अच्छा बोली, वो कौन है मालूम है क्या? नहीं मालूम सर। देखो देखो, गौर से देखो। पता नहीं सर। क्या मालूम नहीं? डॉली, दिव्या। पहचान गई सर, पहचान गई, हमारी ग्राहक की दिव्या। ए, मुंह क्या देख रहा, सबको अंदर डाल दे। यस सर, चलो चुपचाप। ये सब गलत है, मैं कोई कॉल गर्ल नहीं हूँ। मैं क्या करूँ, गवाह सामने है। ए, अंदर चल, चल। तुम चलो। चल। सर, सर सुनिए। भेजा सबको। सर मेरी बात तो सुनिए। सर, छोड़ दो मुझे। क्यों भाई, एक ही झटके में FIR दर्ज करके उसको अंदर डाल दिया? सर वो तो मेरी ड्यूटी थी। ड्यूटी करके तुम्हें कितना पैसा मिला? उससे कहीं ज्यादा पैसा इस ब्रीफकेस में है। बोल क्या ख्याल है? लेकिन वो केस तो कोर्ट में चला गया सर। नहीं, उसे कोर्ट ले जाओगे तो उसे सिर्फ उम्र कैद होगी। अगर उसने मुंह खोल दिया तो हम दोनों फंसेंगे। उसने जो कुछ भी किया उससे हम लोगों ने करवाया था। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना होगा? मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। मरने का तुम्हारा धर्म है और मरने का उसका कर्म है। भेज दो उसको भगवान के पास। उसके शूटर लोगों को मैं शूट कर दूंगा। चल अंदर जा। ये कौन है रे? ये वही है मैडम जिसने SP साहब को जो मुंह में आया बग दिया।
इसलिए एसपी साहब ने इसे अंदर डाल दिया है। वो रेड्डी ने मुझे फोन किया था, ये वही है ना? अच्छी कमाई होगी आज, एक फुल बिरयानी और रम की बोतल लेकर आ। मैडम छोटी है बिचारी, जाने दो ना प्लीज। ए जितना बोला उतना कर, जा यहाँ से। आओ बेटी, डरो मत, इधर आ जाओ। आओ वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, मैं सुबह के तुझे छुड़ा लूंगी, बैठ जाओ। उद्योगपति मंत्री गोविंद स्वामी को मारने वाला लिंगा देवरू उर्फ देवा को पुलिस ने 3 दिन के लिए रिमांड पर मांगा था, आज कोर्ट ने परमिशन दे दी। देवा, शेखर भाई, आप अचानक यहाँ कैसे आ गए? मुझे तुमसे अकेले में बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, जल्दी से बात करके आ जाना, नहीं तो साहब आ जाएंगे। देवा, वो रामी रेड्डी, उसके गुंडों ने हमारे एक एक लड़कों को ढूंढ ढूंढ कर बहुत बुरी तरह से मार दिया है। अब तो केवल मैं और मंजा ही बचे हुए हैं। और दिव्या? वो कैसे भी बाहर आ गई, लेकिन लेकिन क्या हुआ दिव्या को? शेखर भाई, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की। अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती कि आप नहीं बचाती? हाँ, मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए मुझे, मैडम, मैडम प्लीज। अरे क्या नाटक करती है, तू रेड में पकड़ी गई है ना, मेरी बात सुन ले। तू जो बाहर करती थी वही तुझे यही करना है, अब थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर ले। चल उठ जा, तू उठ जा, जिस काम के लिए आया निपटा के निकल ले। रुक जा, आगे बताना। ऐसा पागलपन मत कर, आगे बताना। मैं कहता हूँ रुक जा। वो पापी कमीना नाट के रेडियो और लेडी कांस्टेबल छोटी लड़की है, देखा भी नहीं, बस उसके जिंदगी बर्बाद करने के लिए चले गए। अभी दिव्या जिंदगी और मौत से लड़ रही है। देवा खत्म हो गया, देवा सब कुछ खत्म हो गया। शेखर भाई, दिव्या कहां पर है? उसको साथ में लेकर आया हूं। दिव्या, दिव्या, देवा, चल देवा साहब आ जाएंगे, चल जल्दी सर, प्लीज सर, मुझे मिलने दीजिए सर, मेरी दिव्या को मिलने दीजिए। देवा, दिव्या, दिव्या, जाने दे सर, सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर। देवा, मेरी बात सुन देवा, चल। शेखर भाई, मैं कहता हूँ चल देवा। दिव्या, दिव्या, चल। देवा, 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 ये ले चाबी, जल्दी से छुपा ले इसको। इन लोगों ने तुझे एनकाउंटर में मारने का प्लान बनाया है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तेरी मदद की है। मैं तेरे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकूंगा। इंस्पेक्टर, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट से आर्डर आ गया है। यस सर। उन पेपर्स को लेकर पीछे वाले जीप में आ जाओ। ओके सर। हम्म।
क्यों रे? पुलिस स्टेशन से कोर्ट ना ले जाकर इधर लेकर आए, इससे हैरान हो रहे हो क्या? अब तुझे मालूम पड़ा ना कि हम क्या चीज हैं? सुनो, तुम लोग अगर झगड़ा करो तो दंगा, और हम लोग वही करें तो हमारी ड्यूटी। अगर तुम मारो तो वो मर्डर, और हम लोग मारे तो इनकाउंटर। तुम लोग कुछ भी करे तो इलीगल, और हम लोग करें तो लीगल। एक बात सुन ले, अगर गुंडा बना है तो उसी फील्ड में रहे, नहीं तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए। अगर तू सब कुछ छोड़कर सीधा साधा बनना चाहेगा तो ये तेरा वहम है। हाँ, सच में तू गुंडा नहीं बनना चाहता, अच्छी बात है। क्यों बोले तो, अगर तू मुझे पैसा देता तो इंस्टॉलमेंट में देता, पर रॉमी रेड्डी एक ही साथ सारे पैसे दे दिया, और उसके बदले में मैं उसे छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूं, और वो गिफ्ट होगा तेरी डेड बॉडी। सर, वन गुड न्यूज। हाँ, हेलो रेड्डी जी, एक गुड न्यूज। देवा की सिर्फ मौत, यही गुड न्यूज है ना? देवा मर गया। हाँ, सक्सेस हो गया मेरा प्लान। ए, आ जाओ सब लोग मेरे गेस्ट हाउस में, पार्टी मनाएंगे। नहीं रेड्डी, बहुत दिनों से मैंने प्लान बनाया था, वो क्या है, आज मैं अपनी पार्टी अकेले मनाऊंगा। उस पार्टी का मजा ही कुछ और है, डार्लिंग के साथ रूम के अंदर। ओके, अच्छा है, आज जहां जाना है। देवा, 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 शेखर भाई। हाँ? आप थोड़ा होशियार रहना, किसी को भी नजर मत आना। ये सब जरूरी है क्या कि कहीं भी जाकर सर छुपा ले अपना? मैं जितना बोल रहा हूँ उतना कीजिए, अब आप जाइए। हाँ? संभाल के। ओबरे, क्या हुआ? मैंने फील्डिंग लगा दिया है, वो लोग अंदर शॉपिंग करने गए, पौने घंटे में रिजल्ट देता हूँ भाई। छोड़ना मत। मंजा, कहाँ पर हो?
भाई मैं होटल की पार्किंग में हूँ। पार्किंग में मंत्री की कार आई है क्या? मंत्री नहीं, रेड्डी की वाइफ भी वहाँ आई है। वो रेड्डी की रखेल है ना, फिल्म एक्ट्रेस। उसकी भी कार आई है। पक्का ना? एकदम पक्का। तो फिर तू एक काम कर, जाकर सीधे रेड्डी को कैच कर। ठीक है भाई, अभी जाता हूँ। हेलो भाई। नाराज मत होना, लेकिन आपकी बात बोलनी है। वो तुम्हारी वाइफ एक नंबर की रखेल है, वो तुम्हारे चीफ मंत्री के साथ प्रतीक लॉज के अंदर मजा मार रही है। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा वेलविशर बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, दे रहे। अरे हेलो। ए शूर्पणखा, अभी खाकी वर्दी उतार कर कफन पहन ले, दो मिनट में तू ऊपर उठ जाने वाली है। ए कौन है रे तू? देवा, तेरी किस्मत का यमराज। ए शाना मत बन, तेरा नंबर ट्रेस करके तेरे को अंदर करवा दूंगी। ए मुंह बंद कर, क्या क्या दिलवाया तूने अपनी बेटी को? चॉकलेट, आइसक्रीम, कपड़े, और वो तेरी खुद की बेटी है ना, इसलिए तू उससे उतना प्यार करती है। अगर दूसरे की लड़की होती तो काम वालों को क्या हुआ? उनके हवाले करके खुद मजे करती। औरतों के नाम पर एक नंबर की कलंक है तू। ए! ए! उस दिन वो लड़की तेरे पैर पकड़ कर तेरे से मिन्नत कर रही थी, उसी लड़की का आज श्राप लगने वाला है तुझे। आज तुझे मरना है। मंत्री महोदय, रूम नंबर 201। ए जाकर देखना कौन है डार्लिंग। मैंने तुम्हारे लिए क्या कमी कर दी? कमी कुछ नहीं थी, लेकिन मुझे तुम्हारा बेड पार्टनर बनकर नहीं रहना था। एनफ ऑफ दैट, आई एम रियली फेड अप ऑफ दैट लाइफ। और ये मुझे पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी तरह से एंट्री दिलवाएंगे, इसलिए मैं इनके साथ कोऑपरेट कर रही थी। नहीं रेडी, नहीं रेडी, रेडी भाई ये क्या कर दिया? इस लड़की के लिए आप मुझे क्यों मार रहे हो? एक लड़की के लिए हम लोग आपस में क्यों लड़े? सिस्टर सिस्टर बोल के उसके साथ ही सो गया। राजनीति में तो सब ऐसे ही होता है। नहीं नहीं देवा, मुझे तेरे से पंगा नहीं लेना। चल चल, पंगा तो मुझे भी नहीं लेना है तुझसे, लेकिन तूने मेरे सारे लोगों को मारा, सब लोगों को मार दिया तूने। कमॉन, नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी करो, मैं तुम्हारी फिल्म बनाऊंगा। ठीक है, you
मैं पद्मा, मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपको बता चुकी हूँ। इस बारे में बड़े भैया के जानने से पहले मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, नहीं तो मजबूरन मुझे सुसाइड करनी पड़ेगी। की कोशिश की लेकिन नहीं कह पाई। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ देवा। I love you, देवा। I love you। बस तुम ही मेरा प्यार हो और तुम ही मेरी जान हो देवा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमारी शादी हो और हमारा एक बच्चा हो और वो हमारी गोद में हमेशा खेलता रहे। और अगर फिर मैं मर भी गई तो मुझे ऐसे मौके पर मरने की बात नहीं करते। तू एक पल में इतना खुश है तो मैं ऐसे हजारों पल तुझे दे सकता हूँ। आज तो हम दोनों का मिलन हुआ है, आज तो बहुत बड़ा खुशी का दिन है। रोना मत तू। ए मंजा, ला बैग देना और बचे हुए पैसों से तू खुश रहना और कोई टेंशन मत लेना। और अगर कोई बात हुई तो मुझे याद कर लेना और कभी भी जिंदगी में डरना मत, ओके ना? चलो दिव्या। ए मंजा, मैंने तेरे से एक बात छुपाई थी। अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने वाले को मैंने ऐसे ही नहीं छोड़ा है। उसे जाकर बहुत मारा पीटा, फिर उसने अपनी प्रॉब्लम बताई। उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि उसके छोटे बहन की शादी हो जाए, फिर मैं तुम्हारी बहन से शादी करूंगा। इतने में अपनी बहन ने आत्महत्या कर ली। ये क्या है मंजा? मेरी बहन की जिंदगी तूने बर्बाद की ऐसा सोच के क्या करने वाला था? मुझे मार डालने वाला था? नहीं, तुझे मारने की हिम्मत मुझ में नहीं है, बस इसीलिए उसके लिए तेरे खिलाफ रेप केस कर दिया। तूने मुझ पे शक किया? पद्मा मेरी बहन नहीं थी क्या? मैं उसकी जिंदगी खराब कर सकता हूँ क्या? ये सब बातें तेरे दिमाग में आई कैसे? तू मुझे माफ कर दे देवा, मुझे माफ कर दे। Thank you.
All passengers still down. Deva! तेरी गोद में मेरी जानम।